सिंगल एंट्री वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं आज, सेवेंथ क्लास है, कल लास्ट क्लास। पहले ही बोल दूं क्लास स्टार्ट करने से पहले, ताकि तुम भूलो नहीं, कल की क्लास में एक नया कॉपी लाना है, समरी कॉपी। 60-70 पेजेस का जो कॉपी आता है, लंबा वाला कॉपी बनाना, वो एक 96 पेज का पतला वाला कॉपी आता है, वो कॉपी आप लोग नया समरी के लिए लेके आएंगे। ग्रुप वन का अलग बनाएंगे, ग्रुप टू का बाद में अलग बनाएंगे। हर चैप्टर की समरी लिखेंगे, ताकि आप जब रिवाइज करने बैठे, पढ़ने बैठे, सम्स बनाने से पहले अगर आपको एक बार चैप्टर को रिकॉल करना है, आप चार पांच पेज में रिकॉल कर सके, आपको पूरा 50-60 पेज घुमाना ना पड़े। क्योंकि अभी भी आप देखो, आपकी कॉपी में 50-60 पेजेस पहुंच गए होंगे आप क्वेश्चंस बना के। तो इतना बड़ा चैप्टर अपने रिवाइज करते समय पूरा कॉपी घुमा नहीं सकते, वी जस्ट नीड दी समरी इन 3-4 पेजेस। तो कल प्लीज नया कॉपी लेके आइएगा, डन है बात। लास्ट क्लास में एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट किए थे टर्नओवर रेशियोज का, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कुछ एग्जाम्पल करके, उसका सीख रहे थे किस तरीके से सिंगल एंट्री में यूज करेंगे, बट लास्ट क्लास क्वेश्चन नहीं कराया था। एक होमवर्क दिया था लास्ट क्लास, क्वेश्चन नंबर 22, पहले 22 डिस्कस करते हैं, डीटीआर सीटीआर एक बार रिवाइज करते हैं, और फिर आज इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाएंगे, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट, एकदम चिंदी सा क्वेश्चन था, डिस्कस करता हूं, 10 मिनट में हो जाएगा। मिस्टर ए रन्स अ बिजनेस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, ही क्लोजेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31st March। The balance sheet as on 31st March was as follows. ये जो balance sheet दिया हुआ रहता है, ये normally कौन सा balance sheet है बोल? Opening balance sheet. Opening balance sheet 31st March 2011 का आपको दे दिया। जब balance sheet बना के duly tallied capital निकाल के दे दे, तो हमको वापस बनाने की जरूरत? Balance sheet में देख के ये जज करते हैं क्या क्या ledger accounts बनाना पड़ेगा। Debtor बनाना पड़ेगा, cash, bank और इधर क्रेडिटर, चार लेजर अकाउंट अपने को वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा, डन। आगे हिज सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2012, यानी करंट ईयर, वे 20% हायर देन द सेल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। जितना लास्ट ईयर सेल्स था उससे 20% ज्यादा। आउट ऑफ विच 20% सेल्स वॉज कैश सेल्स, टोटल सेल में 20% कैश सेल है, तो क्रेडिट कितना हो गया? 80%। मेरे को बता दिया लास्ट ईयर का सेल 5 लाख, पता नहीं क्यों ही आपको दिया ये सब करने, आप एक सेकंड में कर देंगे। लास्ट ईयर का सेल 5 लाख, इस साल 20% बढ़ेगा, तो इस साल का टोटल सेल्स 6 लाख। अब टोटल सेल्स 6 लाख में बोला 20% कैश, 120 कैश, और बैलेंस 80% क्रेडिट, तो 480 क्रेडिट, डन। आपसे मैथ्स करवा रहे, मल्टीप्लीकेशन करवा रहे परसेंटेज का। आगे चलते हैं, पेमेंट फॉर ऑल परचेजेस वेयर मेड बाई चेक्स, सारे परचेज का पेमेंट ये लोग चेक से करता है। गुड्स वेयर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट बोथ, ये तो देख के ही समझ में आ गया, 20% कैश 80% क्रेडिट। क्रेडिट कस्टमर पे बाई चेक्स ओनली, जो डेटर है वो हमेशा किससे पे करता है? चेक से। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। नीचे मिस्टर ए सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक द कलेक्शन ऑफ द मंथ एट द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, आफ्टर पेइंग सैलरी 2000, ऑफिस एक्सपेंस 1200, पर्सनल एक्सपेंसेस 500। तीन पेमेंट करने के बाद जो भी कैश बचता है वो सारा बैंक में जमा कर देता है हर मंथ में। ये तीन खर्चा किससे पे हो रहा है? कैश से पे हो रहा है, उसके बाद बैंक में जमा लग रहा है पैसा, ठीक है। बैंक पासबुक का तीन ट्रांजैक्शन दिया, पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट ऑफ रेंट, कैश डिपॉजिटेड। तीन क्लोजिंग बैलेंस दिया, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर। बोल रहा है ऑन इवनिंग ऑफ 31st March द कैशियर एब्सकॉन्डेड विद द अवेलेबल कैश इन द कैश बॉक्स, कैशियर कैश बॉक्स से पैसा लेके निकल गया, तो मेरा क्लोजिंग कैश बैलेंस जीरो हो गया। अब क्लोजिंग कैश बैलेंस जीरो हो गया और कैश अकाउंट से मेरे को निकालना होगा कितना कैश डिफल्केशन हुआ है, तो कैश अकाउंट का क्लोजिंग फिगर निकलेगा कैश डिफल्केशन, जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। क्वेश्चन बोल रहे ट्रेडिंग पीएल बनाओ और बैलेंस शीट बना के दो, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना है, तो सुन मेन पार्ट में ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट और चार वर्किंग नोट, कैश, बैंक, डेटर, क्रेडिटर। कैश बैंक चाहो तो कैश बुक बना के भी कर सकते हो, फटाफट बोल रहा हूं चेक करते जाना। फर्नीचर ओपनिंग 40,000, एक बार इसका कोई काम नहीं है, मैंने फर्नीचर अकाउंट बनाया नहीं। स्टॉक ओपनिंग चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, 2 ओपनिंग स्टॉक, 280। उसके बाद डेटर्स 1 लाख, डेटर अकाउंट में 2 बैलेंस BD, कैश इन हैंड 28,000, कैश अकाउंट में 2 बैलेंस BD, बैंक में 38,000, तो कैश एट बैंक यानी बैंक का ओपनिंग बैलेंस 38,000, तो ये ओपनिंग बैलेंस सारे एसेट का डेबिट साइड में आ जाएगा।
क्रेडिटर्स का बैलेंस दिया हुआ 82,000, तो क्रेडिटर्स में बाई बैलेंस बीडी 82,000 और ओपनिंग कैपिटल चला जाएगा बोल कहां, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 4,04,000। आगे चलते हैं, हमको सेल्स दिया हुआ था जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, टोटल सेल 6,00,000 का बोल कहां चला जाएगा, 6,00,000 का टोटल सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में टोटल सेल चला गया। अब 6 में 1,20 कैश में है, तो जो 1,20 कैश में है वो कैश अकाउंट में 2 सेल्स हो गया 1,20, और 4,80 क्रेडिट पे है तो डेटर अकाउंट में 2 सेल हो गया 4,80। डन। आगे ये वाला और ये वाला पॉइंट एक बार काम का नहीं है। फिर बोला डेप्रिसिएशन 10%, तो 40,000 पे 10% यानी 4,000 का डेप्रिसिएशन। मैंने जब क्वेश्चन पढ़ा था कोई परचेज सेल नहीं था, तो सीधा 40,000 पे 10% 4,000 डेप्रिसिएशन पीएल में, और बैलेंस शीट में फर्नीचर कितना आ जाएगा 36,000। आगे चलते हैं, मिस्टर ए 3 खर्चा पेमेंट करने के बाद कैश बैंक में जमा कर देता है, तो कैश में 3 खर्चा, बाई सैलरी 24,000, बाई ऑफिस एक्सपेंस 14,400, बाई ड्रॉइंग्स 6,000। अब सैलरी और ऑफिस एक्सपेंस चला जाएगा पीएल में, ड्रॉइंग्स हो जाएगा कैपिटल से लेस, कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का झमेला नहीं है, तो वही 24,000 और 14,400 पीएल में चला जाएगा। आगे बैंक पासबुक में पहला ट्रांजैक्शन पेमेंट टू क्रेडिटर, तो बैंक में बाई क्रेडिटर और क्रेडिटर में टू बैंक 3,00,000 रुपया। पेमेंट ऑफ रेंट अप टू 31 मार्च 12, ये बेवकूफ बना रहे हैं, 31 मार्च 12 तक का ही तो बना रहे हैं, तो अलग से कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड नहीं है, तो सीधा रेंट बाई रेंट बोलूंगा बैंक में कितना रुपया 16,000, और ये पूरा रेंट कहां चला जाएगा पीएल में 16,000। नेक्स्ट कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में मैंने कैश डिपॉजिट किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना रुपया 80,000 और कैश अकाउंट क्रेडिट 80,000। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट में बाई क्लोजिंग स्टॉक 1,60,000, डेटर अकाउंट में बाई बैलेंस सीडी 1,20, दोनों बैलेंस शीट में भी जाएगा 1,60,000 और 1,20 एसेट साइड, क्रेडिटर अकाउंट में 2 बैलेंस सीडी 146 और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड 146। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एक एक अकाउंट को देखते जाओ, सबसे पहले डेटर अकाउंट में आओ, ओपनिंग है, क्लोजिंग है और सेल्स भी है, कलेक्शन नहीं दिया हुआ है, तो कलेक्शन आएगा। क्वेश्चन बोला था कलेक्शन सारा चेक से होता है, तो जो भी डिफरेंस है वो कहां चला जाएगा बैंक में, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर 4,60,000, डेटर में आ गया बाई बैंक और बैंक में आ गया टू डेटर, ये डेटर का कलेक्शन, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। डेटर अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग और सेल्स है, खाली डिफरेंस आ जाएगा कलेक्शन। नेक्स्ट क्रेडिटर अकाउंट चेक करो, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, पेमेंट दिया हुआ है, परचेज निकल जाएगा, क्रेडिट परचेज 3,64,000, ये क्रेडिट परचेज चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, टू परचेज 364। सुन, ऐसा क्वेश्चन ने बोला नहीं कि कैश परचेज नहीं है, हो सकता है कुछ कैश परचेज भी हो, अभी हम लोग वेट करेंगे, अगर कैश बैंक अकाउंट से कुछ मिला लीड तो कैश परचेज हो जाएगा, नहीं तो कैश परचेज मान लेंगे नहीं है। ठीक, अब डेटर क्रेडिटर बंद होने के बाद बैंक को चेक करो, सब कुछ है, ओपनिंग है, कलेक्शन है, पेमेंट है, क्लोजिंग बैलेंस गायब है, तो क्लोजिंग बैंक बैलेंस आ जाएगा 2,62,000, ये बैलेंस शीट में 262 आ जाएगा। कैश अकाउंट में ध्यान से, कैश अकाउंट में सेल्स वगैरह सब आ गया, डिफल्केशन बाकी है और हो सकता है कुछ कैश परचेज हो, तो दो बचेगा, बट दो बचाने का अब जगह नहीं है क्योंकि हमारे पास लास्ट कैश अकाउंट है जिसको क्लोज करना है, तो हमको अज्यूम करना पड़ेगा देयर इज नो कैश परचेज ड्यूरिंग दी ईयर, तो पूरे साल में कोई कैश परचेज नहीं है, जो डिफरेंस है पूरा कैश डिफल्केशन। आप लिखेंगे हमेशा डोट, अज्यूमिंग नो कैश परचेजेज आर मेड ड्यूरिंग दी ईयर, डिफल्केशन बता कितना 23,600, ये पीएल में लॉस चला जाएगा, पीएल में लॉस चला जाएगा। अब ट्रेडिंग को बंद करो, जीपी बोल 1,16,116, एनपी 34,000, बैलेंस शीट टोटल 5,78,000। सिंपल क्वेश्चन था, किसने किसने बना लिया पहली बार में सही, ठीक है, मेजॉरिटी बनने लग गया है, डन, वेरी गुड। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 22 होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब टर्नओवर रेशियोज लेंगे, क्वेश्चन 23। मैं उससे पहले, हाँ हाँ सब आता है, सारे टाइप के सम्स आते जो करवा रहे हैं,
आपको इजी लगने लग गया, दैट इज वेरी गुड, बट ये भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनता है। और सिर्फ एक गलती होता है, मैं आपको बता रहा हूं अभी भी, वो लेजर बंद करने का हड़बड़ी। जो बच्चा लेजर क्लोज करने में हड़बड़ी करेगा वही सिंगल एंट्री में गलती करेगा। अदरवाइज आप देखो ना, सारे क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन तो सेम ही है, परचेज, सेल, एक्सपेंसेस वगैरह, गलती होने का एक ही जगह है, लेजर बंद करते समय अजम्पशन ले लेना। तो आपको वहां पे अगर आप पेशेंट हैं तो आपका सारा क्वेश्चन सही होगा, डन। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस आएगा। अभी तो मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं, तो अगर अभी बनने लग गया दैट इज अ वेरी गुड साइन। अब प्रैक्टिस करेंगे, घर पे जाके नया नया क्वेश्चन बनाएंगे, इट विल लीड टू अ वेरी फास्टर स्पीड, एंड नंबर टू, आपको कोई भी क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा, डन है बात। सुनना, टर्नओवर रेशियो का क्वेश्चन करने से पहले एक बार टर्नओवर रेशियो रिवाइज करते हैं। हमने बोला दो रेशियो के बारे में, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो का सिंपल मतलब अगर बताऊं रेशियो वाइज, डेटर का कितना टाइम्स क्रेडिट सेल्स है। हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय डेटर्स। तो डेटर जब बैलेंस बचा है उसका कितना टाइम क्रेडिट सेल्स है। एक्चुअली ये डेटर का रोटेशन को सिग्निफाई करता है, डेटर का रोटेशन, कि आपने जो क्रेडिट सेल किया है उसका कलेक्शन आपको साल भर में कितना बार मिलता है, वो आपको समझाता है डेटर टर्नओवर रेशियो। हमने बोला था ये हमारी एफिशिएंसी है बिजनेस में डेटर को कलेक्ट करने की। जितना आपका कलेक्शन एफिशिएंसी हायर रहेगा, डेटर टर्नओवर रेशियो हायर रहेगा। जितना डेटर टर्नओवर रेशियो हायर रहेगा, उतना वेलोसिटी या क्रेडिट पीरियड लो रहेगा, वो आपके लिए अच्छा बात है। हम लोग बोले कि सिंगल एंट्री चैप्टर में डेटर टर्नओवर रेशियो का यूज एक ही रहेगा, आपको या तो सेल्स दे देगा या डेटर दे देगा, बोलेगा दूसरा वाला कैलकुलेट करके अपने अकाउंट्स में बिठा लो। तो हम लोगों का यूज डेटर टर्नओवर या क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो में बिल्कुल सिंपल इतना ही रहेगा, एक इंफॉर्मेशन देगा मेरे को, इस रेशियो को यूज करके दूसरा इंफॉर्मेशन निकालना है। कुछ बच्चे फॉर्मूला यूज करके काम कर सकते हैं, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय डेटर्स। अगर किसी को फॉर्मूला समझ में नहीं आता तो एकदम बेसिक नॉलेज यही रखो कि हम लोग जो सेल्स करते हैं वो डेटर का कितना टाइम्स है। ये जो टाइम्स है ये नॉर्मली आपको मंथ्स में भी दिया हुआ हो सकता है या पीरियड में भी दिया हुआ हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब होता है एवरेज क्रेडिट पीरियड, नॉर्मली आपको डेटर से पैसा कितने दिन बाद मिलता है। अगर आपको वेलोसिटी दिया हुआ है तो सबसे इजी इंटरप्रिटेशन क्या है, मान लो डेटर का वेलोसिटी 2 months, इसका मतलब 2 महीने की सेल के बराबर मेरा डेटर अभी भी बचा हुआ है, यानी डेटर से पैसे 2 महीने लेट आते हैं। तो जनवरी का पैसा मार्च में, फरवरी का पैसा अप्रैल में, ऐसे कर करके अक्टूबर का पैसा दिसंबर में, नवंबर का पैसा जनवरी में, दिसंबर का पैसा फरवरी में। तो जो नवंबर और दिसंबर में सेल्स हुआ होगा उसका पैसा इस साल नहीं मिलेगा। इस साल नहीं मिलेगा मतलब वो मेरा डेटर का क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो नॉर्मल सिंपल मतलब यही है, 2 महीने का वेलोसिटी मतलब डेटर 2 महीने बाद पेमेंट करता है। तो ईयर का जो लास्ट 2 महीना होगा वो आपके डेटर का क्लोजिंग बैलेंस होगा, क्योंकि वो पैसा आपको करेंट ईयर में रिसीव नहीं होगा। हम लोग बहुत सिंपल यूनिटरी मेथड से काम किए थे। मान लो 2 महीना का डेटर का वैल्यू दिया हुआ है 1,00,000 रुपया, पूछ रहे साल का क्रेडिट सेल्स कितना। अगर 2 महीने का सेल्स 1,00,000 रुपया तो 12 महीने का सेल्स 6,00,000 रुपया। एक अजम्पशन था कि सेल्स एंड परचेजेस आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द पीरियड। आप जब भी डेटर टर्नओवर क्रेडिटर टर्नओवर यूज करोगे हमेशा ये अजम्पशन होगा ही, बिना इस अजम्पशन के ये रेशियो यूज ही नहीं हो सकता। सेम क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला था, क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय क्लोजिंग क्रेडिटर्स। क्रेडिटर वेलोसिटी मतलब कितने महीने बाद ऑन एन एवरेज मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। आपका अगर क्रेडिटर टर्नओवर दिया हुआ है या क्रेडिटर वेलोसिटी दिया हुआ है तो परचेज से आप क्रेडिटर निकाल सकते हो या क्रेडिटर से आप परचेज निकाल सकते हो। लास्ट क्लास हमने फॉर्मूला लिखा था, कुछ एग्जाम्पल्स किए थे, आज इसके ऊपर बेस्ड हम लोग सम्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। हाँ बोल। देखो हम लोग जब बात करते हैं क्लोजिंग डेटर्स की, क्लोजिंग डेटर मतलब जिसका पैसा बाकी है, अगर इसमें से तुमको लगता है कुछ पैसा, सेल्स तो पूरा ही हो रहा है, डेटर पैसा दे या ना दे बट सेल्स तो आपका पूरा ही हो रहा है, तो यहां पे जब डेटर लेंगे आपको टोटल डेटर लेना होगा, नहीं करना है। ये मैंने बोला था ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज डेटर कितने महीने में आपको पेमेंट करता है, कितना टाइम वो रोटेट करता है। तो बैड डेट यहां पे मेरे लिए काम का नहीं है। हाँ रिटर्न हुआ तो एडजस्ट कर देंगे, नेट सेल्स लेंगे हम लोग। आगे चलते हैं क्वेश्चन 23। ये क्वेश्चन आपको बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं, बुक में करना है।
अ कंपनी सोल्ड 25% ऑफ द गुड्स ऑन कैश बेसिस एंड द बैलेंस ऑन क्रेडिट बेसिस. बोल क्रेडिट में कितना परसेंट? 75. डेटर्स आर अलाउड 2 months क्रेडिट. डेटर को हम लोग 2 महीने का क्रेडिट देते हैं, यानी जनवरी का जो डेटर को बेचा है उसका पैसा वो मार्च में देगा एंड सो ऑन. एंड देयर बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2008 इज 140,000. ध्यान से, ये जो 31 मार्च को बैलेंस बचा होगा, ये नॉर्मली क्या होगा पता है? फरवरी और मार्च में जो सेल किया वो होगा, क्योंकि फरवरी का सेल का पैसा अप्रैल में आएगा, मार्च के सेल का पैसा मई में आएगा, क्योंकि हम उसको 2 महीने का क्रेडिट अलाउ करते हैं. अब ध्यान से, 2 महीने का क्रेडिट सेल बराबर 140,000 रुपए का डेटर. तो अगर मैं बोलूं सेल इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द पीरियड, तो 2 महीने का सेल 140, तो पूरे साल भर का सेल 840. ये 840 क्रेडिट सेल है. कौन सा सेल है? क्रेडिट सेल, विच इज 75%. तो अगर तुमसे पूछूं टोटल सेल्स बताओ, टोटल सेल्स 840 बाई 75 इंटू 100 कितना आया? 11,20,000. क्वेश्चन वही पूछ रहा था, टोटल सेल्स कंपनी का बताओ. कर पाएंगे बेसिक? चलिए लिखते हैं. डेटर्स बैलेंस, आप कॉपी में लिखना चाहो कॉपी में लिख लो, ₹1,40,000 इक्विवेलेंट टू, बोलो कितना मंथ का सेल? 2 month का सेल्स. इक्विवेलेंट टू 2 month का सेल्स, ये 2 महीने का क्रेडिटर है, सॉरी डेटर है, 2 महीने का क्रेडिट सेल. तो मेरे को बता टोटल क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर. टोटल क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर 140 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12. 140 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12, बोल 8,40,000. 8,40,000 ये टोटल क्रेडिट सेल है. मेरे को पूछ रहा है टोटल सेल्स, क्रेडिट सेल कितना था बता तो? 75%. तो अगर तुमसे कोई पूछे टोटल सेल्स बताओ, तो बोल कैसे निकालेगा? 840 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100, 11,20,000. कोई मान ले तुमसे पूछे कैश सेल्स बताओ, तो इंटू 100 की जगह इंटू 25 कर देना, आ जाएगा तुम्हारा सेल्स 2,80,000 का शायद सेल्स आएगा. तो 840 प्लस 2,80 करोगे तो आ जाएगा 11,20,000. तो तुम चाहो तो कैश सेल निकाल के दोनों को ऐड कर दो, तुम चाहो तो एक बार में ही टोटल सेल्स कैलकुलेट कर लो. पहले बताइए, डेटर का बैलेंस दिया तो क्या हम लोग सेल्स कैलकुलेट कर पाए? सर अगर लॉजिक से नहीं करते, फॉर्मूला करना है हमको, तो क्या करते? ऐसे करते, 2 महीने का क्रेडिट पीरियड है तो टर्नओवर साल में कितनी बार घूमता है? 6 बार. अब 6 बार का तुमको वैल्यू दिया हुआ है, 6 बार तुमको दे दिया टर्नओवर रेशियो, डेटर का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्रेडिट सेल्स निकल जाएगा. हम लोग कल फॉर्मूला क्या पढ़े थे बोल तो? क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स इक्वल टू 6 दे दिया, और डेटर दिया हुआ है 140, तो क्रेडिट सेल्स कितना हो जाएगा? 6 × 140 दैट इज 840. और इसके बाद आप अपना नॉर्मल कैलकुलेशन कर लो. अगर किसी बच्चे को ऐसा है सर हमको तो चाहिए फॉर्मूला, तो फॉर्मूला यही है, 2 महीने का वेलोसिटी मतलब 6 महीने के 6 बार का टर्नओवर. अब उस टर्नओवर फॉर्मूले में बैठा हो तुम्हारा आंसर आ जाएगा. देने के बाद पक्का आपको जैसे करना है आप कर सकते हो. मेरे को नहीं लगता क्लास में इतना भी कोई बच्चा है जो ये बोलेगा कि 2 महीने का सेल 140 तो 12 महीने का सेल कितना होगा वो बता नहीं पाएगा. बस ये समझना जरूरी है कि वो डेटर 2 महीने की सेल के बराबर है, क्योंकि क्रेडिट पीरियड 2 महीने का मतलब लास्ट 2 महीने की सेल का पैसा इस साल नहीं आएगा, वही मेरा क्या है? क्लोजिंग डेटर्स है. धन्यवाद. क्वेश्चन नंबर 24, आज का पहला क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे, पेज 24, क्वेश्चन 24. अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर सकते हो आप, एग्जाम में बहुत फेमस है. पढ़ना शुरू करेंगे, इजी है, आप पहली बार में बना लेंगे एकदम. द
फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ श्री अग्निदेव एज ऑन 31 मार्च 2010। श्री अग्निदेव का बैलेंस शीट दिया हुआ है। ये जो बैलेंस शीट होता है ये नॉर्मली कौन सा बैलेंस शीट, ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी दे दिया, ठीक है, बनाने का जरूरत नहीं। लेजर अकाउंट बताओ क्या क्या बनाओगे, डेटर, कैश, बैंक, क्रेडिटर। पास वाले पेज में बैंक भी दिखेगा, डेटर, कैश, बैंक, क्रेडिटर, तो चार अकाउंट बनाना है और ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट तो बनाना ही है, ठीक है। आगे पढ़ना है पहला लाइन अच्छे से फटाफट। रायट सॉकर्ड एंड फायर ब्रोक आउट ऑन द इवनिंग ऑफ 31 मार्च 2011। सुन ये कौन सा डेट दिया है, एकदम क्लोजिंग डेट, डिस्ट्रॉइंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फर्नीचर। क्या बोलना चाहता है वो, फर्नीचर डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर, ये बोल पाते हैं आप, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर हो गया जीरो। तो जो भी फर्नीचर बचा होगा जो डिस्ट्रॉय हुआ वो पूरा का पूरा क्या हो गया मेरे लिए, लॉस हो गया। लॉस हो गया तो नॉर्मली हम उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, पीएल में। आगे द कैशियर वॉज ग्रीवियसली हर्ट एंड द कैश अवेलेबल इन द कैश बॉक्स वॉज स्टोलन। तो क्लोजिंग कैश बैलेंस भी कितना, जीरो। तो दो बैलेंस तो हो गया जीरो। ये इंफॉर्मेशन पढ़ के फटाफट लिख पाना इज अ साइन कि आपको अब चीजें समझ में आने लग गई वो क्या बोलना चाहता है। आगे चलते हैं। ट्रेडर गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आराम से पहला वाला पॉइंट पढ़ेंगे आप, फर्स्ट पॉइंट रीड करेंगे। सेल्स आर इफेक्टेड एज 25% फॉर कैश एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट, मतलब कितना परसेंट, 75। टोटल सेल्स फॉर 31 मार्च 2011 वे 20% हायर देन द प्रीवियस ईयर। बेसिक काम है, जो भी लास्ट ईयर का सेल होगा इस साल का सेल 20% हायर होगा, ठीक है। ऑल सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स वेर इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द ईयर एज ऑल्सो इन द लास्ट ईयर। पूरा सेल्स परचेज साल में इवनली हुआ, यानी हर महीने का सेल इक्वल है। नीचे देख क्या दिया हुआ है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। डेटर का क्रेडिट पीरियड 2 महीना, क्रेडिटर का क्रेडिट पीरियड 1 महीना। अब तुमको अगर डेटर का वैल्यू दे दिया, क्रेडिटर का वैल्यू दे दिया, या फिर सेल्स का वैल्यू दे दिया, परचेस का वैल्यू दे दिया, तो दूसरा वैल्यू तुम कैलकुलेट कर पाओगे, टर्नओवर रेशियो, वेलोसिटी देना शुरू कर दिया। आगे पढ़ता हूं। स्टॉक लेवल वॉज मेंटेन्ड एट 33,000 ऑल थ्रू आउट द ईयर। एक बार ओपनिंग स्टॉक देख तो कितना है, 33 ही है, और बोल रहे पूरे साल भर यही मेंटेन किया तो यही मेरा क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। अ स्टेडी ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑफ 25% ऑन टर्नओवर वाज मेंटेन्ड थ्रू आउट। जीपी रेशियो भी दे दिया 25% ऑन सेल्स। जब जीपी रेशियो दे दिया मतलब ट्रेडिंग अकाउंट से कोई एक फिगर आ सकता है। आगे क्रेडिटर्स आर पेड बाई चेक ओनली एक्सेप्ट कैश परचेज ऑफ 50,000। कैश पेमेंट नहीं बोला, कैश परचेज बोला है, यानी कुछ क्रेडिट परचेज भी है कुछ कैश परचेज भी है। क्रेडिट परचेज को हम लोग चेक से पे करते हैं और कैश परचेज का पेमेंट कैश से हुआ है, डन। आगे प्राइवेट रिकॉर्ड एंड बैंक पासबुक डिस्क्लोज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर। उसका प्राइवेट रिकॉर्ड एंड बैंक पासबुक कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, मिसलेनियस एक्सपेंस, रिपेयर मशीनरी, फिर प्राइवेट ड्रॉइंग्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इंट्रोडक्शन टू कैपिटल, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स वेयर ऑल थ्रू चेक्स। ये भी एक बात बोला, डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 15% ऑन क्लोजिंग बुक वैल्यू, कैश स्टोलन इज टू बी चार्ज टू पीएल, नहीं भी बोलता तो हम लोग करते, और लॉस ऑफ फर्नीचर इज टू बी एडजस्टेड टू। कुछ नया बोल रहा है पीएल में मत डालना, कैपिटल से एडजस्ट कर देना, बात एक ही है। तुम अगर पीएल में डालोगे तो भी फाइनल इफेक्ट कैपिटल में आएगा, डायरेक्ट कैपिटल से एडजस्ट करोगे तो भी बात क्या है, सेम पड़ेगा, बट क्वेश्चन बोला है तो उसको इज्जत देंगे, हम लोग कैपिटल से एडजस्ट कर देंगे। मेरे को बोला ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाओ, मेक अप्रोप्रिएट अजम्पशंस वेयर एवर नेसेसरी। पहला 3 वर्ड बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ता है, मेक अप्रोप्रिएट अजम्पशन, इच्छा होगा तो ले लेना, बट आगे भी 2 वर्ड बोला, जहां जरूरी हो, जहां जरूरी हो, ठीक है। ऑल वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, ठीक है, वो तो हम लोग कर ही देते हैं। चलिए फटाफट हम लोग बनाते हैं फॉर्मेट।
अरे फॉर्मेट बनाने के लिए कौन सा बातचीत करना पड़ता है रे? ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाना है ना, ऑलरेडी दिया हुआ है बना के। नहीं, कैश और बैंक अलग अलग दिया हुआ है, डबल कॉलम। बातचीत बंद, स्टार्ट करें काम। ओपनिंग बैलेंस शीट को देखें, फर्स्ट एसेट साइड का फिगर, फर्स्ट फिगर मशीनरी 120। ये मशीनरी जो ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, बट डेप्रिसिएशन वगैरह का काम होगा, तो एक बार इसको डॉट करके छोड़ दे। नेक्स्ट फर्नीचर, इसका भी कोई नुकसान नुकसान हुआ था तो इसका भी काम करना है, डॉट करके छोड़ दे, हमने अकाउंट नहीं बनाया इनका। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है रे? 33,000 ट्रेडिंग अकाउंट में, टू ओपनिंग स्टॉक 33। डेटर्स और कैश का बैलेंस दिया हुआ है, डेटर्स का टू बैलेंस बीडी 1,00,000, कैश और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है टू बैलेंस बीडी 8,000, 16,500। एसेट साइड में सारे आइटम एक्सेप्ट टू हो गए। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है 2,52,200, ये ओपनिंग कैपिटल कहां बैठेगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में 252,500। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है बाई बैलेंस बीडी, कितना दिया हुआ है? 45,000। बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया ओपनिंग। अब पहला लाइन वापस पढ़ो, दो चीज के बारे में तुमने मेरे को बताया था, क्लोजिंग बैलेंस जीरो है, बताना किसका किसका? फर्नीचर और कैश। तो मैं बैलेंस शीट में एक बार सिर्फ फॉर योर इंफॉर्मेशन, फर्नीचर निल, और बोला था टोटल जो भी लॉस हुआ है वो सारा लॉस कैपिटल से एडजस्ट कर देना, तो कैपिटल से लेस कर रहा हूं लॉस ऑफ फर्नीचर। एक चीज खाली बोल रहा हूं सुनना, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन का रेट अलग से दिया हुआ नहीं था, अगर दिया हुआ होता मान लो 10% और ईयर एंड पे लॉस हुआ है
तो पहले पूरा साल का नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो चार्ज होता 2000 पीएल में, फिर लॉस होता 18000, वो यहां से लेस होता। इस क्वेश्चन में रेट दिया हुआ ही नहीं है फर्नीचर का, क्योंकि हमने जब पढ़ा था ना तो एक मशीनरी का रेट दिया हुआ था 15%। फर्नीचर का कोई डेप्रिसिएशन रेट ही अगर तुमको लगता है हो सकता है तो वेट कर लो, हमको दिक्कत नहीं है, नहीं तो 20,000 का लॉस मैं कैपिटल से एडजस्ट कर देता हूं 20,000। मेरे को क्वेश्चन ने बोला कि फर्नीचर का लॉस कैपिटल से एडजस्ट कीजिएगा, एकदम लास्ट पॉइंट बोला जब हम लोग पढ़ रहे थे तब हमने देखा था, और एक पॉइंट बोला कैश का बैलेंस जीरो, तो मैं कैश अकाउंट में बाई बैलेंस सीडी निल लिख देता हूं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो पॉइंट नंबर वन हमने पढ़ लिया, फर्नीचर और कैश का बैलेंस निल हो गया। अब नीचे पॉइंट नंबर वन पढ़ना है, ये सेल्स के बारे में बोल रहा है 25% कैश 75% क्रेडिट, और बोल रहे करेंट ईयर का सेल लास्ट ईयर से 20% ज्यादा है। ये तो तब यूज कर पाएंगे जब लास्ट ईयर का सेल दिया हुआ हो, लास्ट ईयर का सेल डायरेक्टली दिया हुआ। नीचे मेरे को इंफॉर्मेशन दिया हुआ है डेटर का क्रेडिट पीरियड 2 मंथ, सुनना, इस साल का डेटर बताया नहीं है बट लास्ट ईयर का डेटर बताया है। क्या लास्ट ईयर के डेटर से लास्ट ईयर का सेल्स, क्योंकि इवेनली है लास्ट ईयर भी, क्या लास्ट ईयर के डेटर से लास्ट ईयर का सेल्स निकल जाएगा? और अगर लास्ट ईयर का सेल्स निकल गया तो करंट ईयर का सेल्स तो 20% ऐड करना है सिर्फ। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट। सेल्स फॉर द ईयर, सेल्स फॉर द ईयर, पहले मेरे को सिंपल ये बता लास्ट ईयर क्या था 2009-10, क्लोजिंग डेटर कितना था, क्लोजिंग डेटर लास्ट ईयर का 1,00,000, ये पता है इक्विवेलेंट था कितने महीने के बराबर, 2 मंथ सेल्स, क्योंकि ये 2 महीने का क्रेडिट पीरियड है। तो मेरे को बता लास्ट ईयर का क्रेडिट सेल्स अगर 2 महीने का सेल 1,00,000 रुपया है, 2 महीने का सेल 1,00,000 रुपया, तो पूरे साल का क्रेडिट सेल 6,00,000, 1,00,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12, 6,00,000, 1,00,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12, 2 महीने का 1,00,000, तो 12 महीने का 6,00,000। सुनिए क्रेडिट सेल्स है, तुम चाहो तो टोटल सेल्स निकाल सकते हो, क्योंकि हमको बोला है 2575 दिया हुआ है, कुछ नहीं बोला है, तो मैं ये मान रहा हूं करंट ईयर और लास्ट ईयर दोनों ही सेम है। अब सुन मेरा बात, या फिर डायरेक्टली क्रेडिट सेल्स इस साल का निकाल ले 20% बढ़ा के, क्योंकि अगर परसेंटेज 2575 है तो चाहे टोटल सेल से जा चाहे क्रेडिट सेल से जा वैल्यू तो सेम आएगा। कैसे वैल्यू सेम आएगा सर, अगर तुम लास्ट ईयर का 6,00,000 से इस साल 20% बढ़ाता है तो इस साल का क्रेडिटर क्रेडिट सेल 720 75% है, तो टोटल सेल्स एक बार निकाल के चेक कर, 720 अगर 75% है तो टोटल सेल्स निकाल के चेक कर डिवाइडेड बाय 75% 9,60,000। अब देख लास्ट ईयर का क्रेडिट सेल 6,00,000, अगर लास्ट ईयर का टोटल सेल निकालना चाहूं तो 6,00,000 डिवाइडेड बाई 75% 8,00,000, अगर इस 8,00,000 को 20% भी बढ़ाएगा तो ये भी कितना होगा 9,60,000। अगर परसेंटेजेस दोनों साल के सेम है तो चाहे तुम क्रेडिट सेल से फिगर से काम करो या टोटल सेल के फिगर से काम करो उससे कोई फर्क, क्योंकि इंटू तो वो 25 या 75% ही होगा। अब ध्यान से, अगर मैं तुमसे पूछूं 2010-11 का क्रेडिट सेल्स, 2010-11 का क्रेडिट सेल्स, तो 6,00,000 के ऊपर 20% ऐड 7,20,000, ये 75% है 75, तो मेरे को बता इस साल का कैश सेल्स कितना होगा, इस साल का कैश सेल्स 720 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 25 240, तो तुम टोटल देख पा रहे हो 9,60,000, 720 क्रेडिट सेल 240 कैश सेल, तो टोटल सेल्स कितना हो गया 9,60,000। तुम चाहो तो लास्ट ईयर का टोटल निकाल के इस साल टोटल करके फिर बाइफरकेट कर लो, या डायरेक्ट सेल्स से सेल्स का काम कर लो,
मैंने बोला अगर टोटल सेल 20% बढ़ा है तो कैश और क्रेडिट दोनों 20-20% बढ़ा होगा, क्योंकि और कुछ बोला नहीं है। तो मैंने बोला जैसा लास्ट ईयर पोजीशन था वैसा ही इस साल भी पोजीशन है। तो ये हो गया टोटल 7,20 और 2,40, टोटल हो गया 9,60,000। सही से प्लेस कर तो इन दोनों को, सही से प्लेस कर दोनों को। तो टोटल सेल्स निकालने के बाद तुम लास्ट ईयर का टोटल सेल्स निकालोगे कैसे? यही 75-25 का रिलेशन लेके, अदरवाइज फिर निकाल पाओगे नहीं। तो अगर आप लास्ट ईयर भी बोल रहे हो 75-25 है, इस साल भी 75-25 है, तो टोटल सेल्स 20% बढ़ाओ या क्रेडिट सेल 20%। हाँ, तो ऑप्शन ही नहीं है। अगर ऐसा बोलता लास्ट ईयर का क्रेडिट सेल 80% था तो फिर मैं पहले टोटल सेल्स निकालता, फिर उससे टोटल सेल 20% बढ़ाता, फिर मैं 25-75 करता। बट जब वो दिया हुआ नहीं है तो बेसिक यही है, जैसा लास्ट ईयर था वैसा ही करंट ईयर में बढ़ जाएगा। आप डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हो, अगर लाख रुपया है तो उसको 1:20 कर दो, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं इवनली थ्रू आउट द ईयर। एंड दूसरा, दो महीना मतलब दो महीने का ही बाकी है और कोई पैसा बाकी ही नहीं है। अब जो आपने बोला दो महीने का 20% बढ़ जाएगा, मैं आपको शो करूंगा दो मिनट बाद। पहले आप सेल्स लिखो जगह जगह पर, ट्रेडिंग अकाउंट में बाई सेल्स, बोल टोटल लिख दूं एक साथ 960, कैश अकाउंट में 2 सेल्स 2,40 और डेटर अकाउंट में 2 सेल्स 7,20। यहां तक ठीक है? अब सुन, इस साल का सेल्स मिल गया क्रेडिट सेल, तो दो महीना का डेटर निकाल पाएगा? समझ, सेल्स मिल गया, दो महीने का क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, तो क्या टर्नओवर रेशियो यूज करके क्लोजिंग डेटर कैलकुलेट किया जा सकता है? जैसे लास्ट ईयर के डेटर से सेल्स निकाला, इस साल के सेल से डेटर निकाल लो। अगर मैं यहां डेटर निकालना चाहूं बाई बैलेंस सीडी, कैसे निकालू बता? 7,20,000 पूरे साल का सेल है तो दो महीने का सेल कितना? 1,20,000। अब तुम देख रिलेशन, 20% इंक्रीज दिखाई दे रहा है, वो 20% इंक्रीज। हम लोग टर्नओवर रेशियो में यही सीख रहे थे, अगर डेटर दे दे तो सेल्स निकाल सकता हूं और अगर सेल्स दे दे तो डेटर निकाल सकता हूं। लास्ट ईयर में डेटर दिया हुआ था, सेल्स निकाला, इस साल में सेल्स आ गया तो डेटर निकाल लिया। अब ये डेटर बता कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। पुट कर दे डेटर को बैलेंस शीट पे। साथ साथ करेंगे तो हमेशा याद रहेगा 120। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? क्रेडिटर का पीरियड है 1 मंथ। क्या क्रेडिटर का पीरियड 1 मंथ दिया हुआ है, इससे आप कुछ कर पाएंगे? क्या निकाल पाएंगे? क्रेडिट परचेज। बट इस साल का क्रेडिटर का बैलेंस नहीं दिया हुआ है, लास्ट ईयर का। एक बात बताओ, एक बात बताना ध्यान से, लास्ट ईयर का परचेज निकाल के करोगे क्या? क्या ऐसा बोला है कि परचेज 20% बढ़ा है? क्या क्रेडिट और कैश परचेज का रिलेशन दिया हुआ है 25%, 75%? लास्ट ईयर का परचेज निकाल के अभी हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। हमको सेल्स में ये रिलेशन दिया कि लास्ट ईयर से 20% इंक्रीज है, परचेज में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। अगर परचेज में वैसा कोई रिलेशन नहीं है, आप अगर निकाल भी लेंगे ना तो आपका आंसर वो गलत है। तो परचेज जो क्रेडिटर 1 मंथ दिया हुआ है, ये अभी कोई काम का नहीं है, क्योंकि मेरे को लास्ट ईयर और करेंट ईयर के परचेज का रिलेशन दिया हुआ। भैया एक बात सुनिए ना, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक सेम बोला है, सेम। तो अगर भैया ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक सेम है, तो हम लोग कॉस्ट में सीखे हैं या सीखेंगे, जैसे सेल्स बढ़ेगा वैसे ही परचेज बढ़ेगा। समझ पाते हैं ये बात? मान लो ओपनिंग स्टॉक 10 यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक 10 यूनिट, सेल्स हुआ 100 यूनिट, तो परचेज भी कितना होगा? 100 यूनिट। सेल्स हुआ 200 यूनिट, तो परचेज भी कितना होगा? 200 यूनिट। यानी भैया अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कॉन्स्टेंट हो जाए, तो जितना सेल्स बढ़ेगा उतना ही परचेज भी बढ़ना चाहिए। वो क्वांटिटी वाइज अच्छा लगता है, वैल्यू वाइज हो जरूरी। हो सकता है परचेज प्राइस इस साल बढ़ गया हो,
समझो मेरा बात को, मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो आपको ध्यान रखना है, क्वांटिटी वाइज वो रिलेशन बहुत सही है कि जितना सेल्स बढ़ेगा उतना ही परचेज बढ़ेगा, बट अमाउंट वाइज वो रिलेशन सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। डन है क्या बात? एक बार वो हड़बड़ी नहीं करेंगे हम लोग। क्रेडिटर के बाद नेक्स्ट लाइन पढ़ो, क्रेडिटर को मैं डॉट कर देता हूं। स्टॉक लेवल 33,000 मेंटेन किया गया, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया? 33। बैलेंस शीट में दिखा दे क्लोजिंग स्टॉक 33। नेक्स्ट लाइन पढ़, नेक्स्ट लाइन, जीपी परसेंटेज दिया हुआ है 25% ऑन टर्नओवर। क्या तेरे पास सेल्स है तो क्या जीपी निकल सकता है? निकाल ले जीपी, टू ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन 960, 240। अब मेरे को एक बात बता, सब कुछ मिल गया है तो अब इस अकाउंट से क्या निकाल पाओगे? परचेज, टू परचेज। एग्जाम में मैं हड़बड़ी करने की सलाह नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा पता है? मान ले नीचे जाके एक तो एक्सपेंस दे दिया, फ्रेट इनवर्ड, वेजेस, समझ रहे हैं मेरा बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं ना? मान ले नीचे जाके एक फ्रेट इनवर्ड दे दिया, वेजेस दे दिया, तो वो भी तो ट्रेडिंग में आएगा, तो परचेस का वैल्यू चेंज हो जाएगा, हाँ या ना? इसीलिए हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। आप चाहो तो निकाल लो, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने नीचे देखा था नहीं है, रिपेयर्स है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, ड्राइंग्स है, बट फ्रेट इनवर्ड वेजेस वगैरह नहीं दिया हुआ है। आप चाहो तो कर लो, बट एग्जाम में हड़बड़ी मत करना। इंस्टीट्यूट को एक सेकेंड लगता है खाली वहां वेजेस लिखने में, तो एग्जाम में वहां वेजेस बैठाएगा, आप पहले परचेज निकाल देंगे, वापस सब काटना पड़ेगा। डन है क्या बात? तो अगर अभी हड़बड़ी नहीं करते हो तो एक बार छोड़ देते हैं, बाद में जाके वापस देख लेंगे। नेक्स्ट लाइन पर उसी के बाद क्या लिखा है? कैश परचेज 50,000, तो वो तो मैं लिख सकता हूं, कैश परचेज लिख देता हूं, कैश परचेज 50,000, और ये कैश परचेज कौन से अकाउंट में जाएगा? कैश अकाउंट में, बाई परचेजेस 50,000। टोटल करने के लिए, परचेज निकालने के लिए अभी इसीलिए मना कर रहा हूं क्योंकि अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ जो ट्रेडिंग में जाएगा तो वापस परचेज चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए एक बार हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। डन, ये पॉइंट नंबर 4 भी हो गया। खाली वो एक बात बाकी है कि क्रेडिटर्स आर पेड बाई चेक, याद रखना है वो। अब 5 का पॉइंट 1 पढ़ो, पॉइंट 1 से पॉइंट 7 तक तुम खुद करोगे, मैं हेल्प नहीं करूंगा। 5 मिनट का टाइम देता हूं, पॉइंट 1 से पॉइंट 7 सल्टाओ। इंक्लूड मतलब, इंक्लूडिंग मतलब, इंक्लूडेड है, तो मतलब उसके अंदर 5,000 चेक से पेमेंट हुआ है, और फिर आगे भी और कुछ लिखा है, मतलब वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है क्या? तुमको सोचना है, ये 157,500 टोटल है, इसमें 5,000 चेक है, 7,500 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, सही बोल रहे हो? क्या चीज? नहीं नहीं, ये इस साल का आउटस्टैंडिंग है, अगर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता तो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाई देता। कहां दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये इस साल का है। ऊपर बोल रहा है प्राइवेट रिकॉर्ड्स एंड बैंक पासबुक से बताया है, तो वहां पे सिर्फ कैश का इंफॉर्मेशन नहीं है, सारा इंफॉर्मेशन दे दिया।
आपको बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पक्का मेंशन किया होगा, क्वेश्चन बोल रहा है डेप्रिसिएशन होगा क्लोजिंग बुक वैल्यू का 15%, क्लोजिंग मतलब इंक्लूडिंग एडिशन, पूरा पे 15%, यानी पूरे साल का डेप्रिसिएशन होगा 180 पे पूरे साल का, मतलब एसेट साल के बिगिनिंग में खरीद लिया गया। अगर बोलता नहीं तो भी करते हम लोग, जब हम लोग को डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं देता हम लोग बिगिनिंग मान लेते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंस संभाल पाए क्या? 157,500 टोटल था, जिसमें 5,000 चेक से हुआ है, 7,500 आउटस्टैंडिंग है, तो 145 कैश से पेमेंट हुआ, ये समझ में आया? तो कैश बुक में 145 कैश और 5,000 बैंक, टोटल खर्चा आ गया पीएल में 157,500 और 7,500 आउटस्टैंडिंग आ गया बैलेंस शीट में। भैया आउटस्टैंडिंग आप एड नहीं किए वहां पे, वो इंक्लूडेड है ऑलरेडी। जब बोल रहा है इंक्लूडेड है ऑलरेडी तो वापस ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो यहां पे आ जाएगा 157,500 पूरा। अब बोल, डेसिमल्स में आएगा, ठीक है। यहां तक तो बात खत्म हो गया, एक एक करके बात बता। अब मेरा कलेक्शन वाला पॉइंट बाकी है, कैश स्टोलन वाला पॉइंट बाकी है, फर्नीचर वाला देखो आपको ये डेप्रिसिएशन नहीं है, कैपिटल से लॉस राइट ऑफ कर दो पूरा का पूरा 20,000। अगर डेप्रिसिएशन होता तो पहले वो चार्ज करके फिर जो बचता वो लॉस राइट ऑफ करते हैं। डन है बात? अब सुन, एक एक करके बात करते हैं। डेटर अकाउंट को चेक कर, डेटर को ओपनिंग है, सेल्स है, क्लोजिंग है, कलेक्शन नहीं दिया, और क्वेश्चन बोला है कि कलेक्शन वेयर थ्रू चेक्स है, तो यहां पे बाई बैंक आ जाएगा कितना? 7,00,000। ये कलेक्शन कहां चला जाएगा? बैंक अकाउंट में, टू डेटर 7,00,000। क्रेडिटर अकाउंट में देख ध्यान से, परचेज बाकी, पेमेंट बाकी और क्लोजिंग भी, तो कोई चांस नहीं है कि आप अभी इसको बंद कर पाओ। बट अगर मेरे को कोई हिंट मिल जाए परचेज का, परचेज मिलते ही मैं क्लोजिंग बैलेंस निकाल पाऊंगा क्योंकि मेरे को वो रेशियो दिया हुआ, टर्नओवर रेशियो, और फिर मेरा पेमेंट भी निकल जाएगा। अब परचेज निकालने के लिए पता है किसको यूज करेंगे? इधर ट्रेडिंग अकाउंट को। ट्रेडिंग अकाउंट में कोई एक्सपेंस नहीं है, तो जितना भी डिफरेंस है वो क्या है? परचेज। कितना आ रहा है डिफरेंस? 7,20,000। ये बैलेंसिंग फिगर, उसमें से 50,000 कैश है, तो क्रेडिट बता कितना है? 670। ये भी बैलेंसिंग फिगर।
कैश परचेज 50,000 ऑलरेडी दिया हुआ था, टोटल परचेज निकला 720, तो क्रेडिट परचेज हो गया 6,70,000। अब मेरे को एक बात बताइए, क्रेडिट परचेज कहां बैठा दूं? क्रेडिटर अकाउंट में बैठा दूं? क्रेडिटर अकाउंट बाय परचेज 670, ये 12 महीने का परचेज है और मेरा क्रेडिट पीरियड है एक महीना, तो मेरे को कोई एक महीने का परचेज बता पाएगा? 670 × 1/12 = 55833। अब बताओ क्या इससे पेमेंट निकल जाएगा? और पेमेंट बोला है ऑल थ्रू चेक्स, पेमेंट बोला है ऑल थ्रू चेक्स। सिक्स फाइव नाइन वन सिक्स सेवन। मेरा वहां बात समझे थे कि हम परचेज उस समय क्यों कैलकुलेट नहीं किए? अगर नीचे जाके कोई वेजेस दे देता, फ्रेट इन्वर्ट दे देता जो ट्रेडिंग में आएगा, तो मेरा परचेज का वैल्यू क्या हो जाता? कम हो जाता। फिर उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ता, इसीलिए मैंने हड़बड़ी में उस ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज नहीं किया वहां पे। अब इसका पेमेंट दिखाओ यहां पे, बाय क्रेडिटर 659 167। अब एक एक करके बता, पहले बैंक को क्लोज कर, क्लोजिंग बैलेंस बाकी है, बाद बाकी सब आ गया कलेक्शन वलेक्शन। क्लोजिंग बैलेंस निकाल बैंक का, मेरा नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ओडी हो जाएगा। यहां लिख देता हूं टू बैलेंस सीडी कितना आ रहा है, 2667। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो ही सकता है बैंक में ओवरड्राफ्ट, 2667 बैंक ओवरड्राफ्ट। नॉर्मल कैलकुलेशन किया, डिफरेंस आ गया। क्रेडिटर में मेरे को ओपनिंग दिया हुआ था, क्रेडिट परचेज निकला 670, ठीक है, ये 670 12 महीने का परचेज, तो जो क्लोजिंग बैलेंस एक महीने का परचेज वो निकल जाएगा 670 × 1/12। डन, जो डिफरेंस बचा वो पेमेंट। समझ बात को, जो लास्ट ईयर का 45,000 बचा हुआ था वो तो करेंट ईयर के जनवरी में पूरा या अप्रैल में पूरा रिसीव हो गया होगा। हम लोग तो वही अजम्पशन ले रहे हैं ना कि एक महीना बाद उसका पैसा मिल जा रहा है, तो इस साल जो क्लोजिंग रहेगा वो तो सिर्फ इस साल की लास्ट महीने की सेल रहेगा, परचेज रहेगा, तो आपको वो चीज ध्यान देना होगा। 659167, ये बैंक ओवरड्राफ्ट कहां दिखाऊं? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड 2667। कैश अकाउंट को टैली करो और आ जाएगा कैश डिफल्केशन कितना आ रहा है, 1500। ये कहां चला जाएगा? पीएल। क्वेश्चन बोल भी रहा था जो भी डिफल्केशन है पीएल में डाल देना। तो 1500 चला जाएगा पीएल में कैश डिफल्केशन। अब बैलेंस शीट फटाफट मैच करो, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सारा पॉइंट यूज हो गया। थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड।
बैलेंस शीट टैली हुआ क्या? दो चालीस, क्रेडिटर है 55833, टोटल कर 3,06,000। हो गया 3,06,000। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। ट्वेंटी फोर हो गया सबका, 25। इस क्वेश्चन को मैं रीड नहीं करूंगा, आप अपने हिसाब से रीड करेंगे, दोनों साथ में बनाएंगे और अपने को कंप्लीट करने का है, ठीक है? जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हेल्प करूंगा, अदरवाइज आप खुद से बनाएंगे, मैं अपना खुद बनाऊंगा, ठीक? टीवी में आपको आंसर दिखता रहता है, इसीलिए हम लोग एक काम करते हैं, बंद कर देते हैं। अब क्वेश्चन 25 खुद से पढ़े और खुद से बनाए। मैं भी यहां पर खुद से बना रहा हूं, अपने को आंसर मैच करना है लास्ट में। जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं वापस मैं खुद ही आ जाऊंगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप कुछ नहीं पूछेंगे। जो बैकअप कर रहे हैं या पेन ड्राइव कर रहे हैं वो भी बंद कर ले लैपटॉप की स्क्रीन को, हां पॉज कर ले और खुद से ट्राई करें। चार अकाउंट बनाएंगे, हां Thank you.
करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है चलिए, क्या काम क्या है इसका, वो वहां तक पहुंचेंगे तो अपने आप कोई ना कोई काम दिख जाएगा। हड़बड़ाइए मत, नहीं नहीं हम तो अब स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग मेरे से पहले कर लेंगे, मेरा आपसे लेट होगा।
क्रेडिट परचेस 7:20, क्रेडिट सेल्स 14:40, टोटल सेल्स 18 लाख. वेरी गुड. क्या चीज का? हाँ, डेटर बड़ा है, डेटर बड़ा है, क्रेडिटर बड़ा है, तो क्लोजिंग बैलेंस पहले निकालो. मतलब बोल रहा है टोटल सेल का 80%. तुम पिछले साल का निकाल ही क्यों रहे? जरूरत ही नहीं है. जब इसी साल का डेटर मिल गया तो इसी साल का सेल्स निकल जाएगा सीधा. और बोल रहे टोटल सेल का 20% कैश है, तो जो भी क्रेडिट निकलेगा वो 80% है. तुम लास्ट ईयर का निकाले ही क्यों? जरूरत ही नहीं था. इस साल सीधा क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा. 1 लाख ओपनिंग बैलेंस है, तो क्लोजिंग बैलेंस 20% ज्यादा, यानी 1,20,000. तो अगर 1:20 का वैल्यू निकल गया तो क्रेडिट पीरियड यूज करके सेल्स निकल जाएगा. इस बार लास्ट मंथ लास्ट ईयर का निकालना ही नहीं है, सीधा इस साल के डेटर क्रेडिटर से ही हो जाएगा. लास्ट क्वेश्चन में क्या था? डेटर क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस पता नहीं था, तो मैं इस साल का कैलकुलेट नहीं कर पाया. पहले मैंने लास्ट ईयर का कैलकुलेट किया, फिर इस साल का कैलकुलेट. इस बार मेरे को डेटर क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी पता है. क्यों? लास्ट ईयर से करेंट ईयर का रिलेशन बताया नहीं है. खाली डेटर 20% बढ़ने से सेल्स का क्या होगा ये थोड़ी पता है. क्रेडिट सेल्स बढ़ सकता है, कैश सेल्स कैसे आप अज्यूम करो? क्यों? तो फिर वो जो रिलेशन है पॉइंट नंबर 4, वो रिलेशन गलत हो जाएगा. पॉइंट नंबर बोला है कैश सेल्स आर 20% ऑफ टोटल सेल्स, तो फिर ये रिलेशन देखो आप एस्टैब्लिश कर पाओगे? तो वो रिलेशन गलत हो जाएगा. बाद में आएगा, यूज आएगा. आपको सोचना है. बता क्या बोल रहा है. ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो वो थोड़ी दी है. नहीं, अभी नहीं आया मेरा. तेरे को जैसा इंफॉर्मेशन देगा तेरे को वैसे क्वेश्चन को करना है. जरूरी नहीं है लास्ट क्वेश्चन में जो किया इस क्वेश्चन में भी वही काम होगा. लास्ट क्वेश्चन में क्या था? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर क्रेडिटर बताया नहीं था और उसका कोई रिलेशन भी नहीं दिया हुआ था. तो हमने पहले सेल्स कैलकुलेट किया लास्ट ईयर को कंपेयर करके. बोला इस साल का सेल 20% बड़ा है, तो मैंने पहले लास्ट ईयर का सेल्स कैलकुलेट किया फिर इस साल का किया. इस क्वेश्चन में बोला सेल्स नहीं बढ़ा है, डेटर बढ़ा है. तो अगर डेटर का बैलेंस मेरे को मिल ही गया तो मेरे को अब लास्ट ईयर का सेल चाहिए क्यों? मैं उसी डेटर से इस साल का सेल डायरेक्टली निकाल सकता हूं, 12 महीने का निकल जाएगा. और उसके बाद 20:80 का रिलेशन है, उससे कैश सेल निकल जाएगा. करेक्ट, क्योंकि क्रेडिट पीरियड 1 महीने का है. Into 12, करेक्ट. पॉइंट नंबर 6, 7 और 8 हड़बड़ी में यूज मत कीजिएगा. पॉइंट 6 करंट रेशियो बाद में सोचेंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं है. पॉइंट नंबर 7 क्या दिया हुआ है?
टोटल एक्सपेंसेस 5 लाख, ठीक है टोटल एक्सपेंस 5 लाख, बट ये कैश से हुआ है कि बैंक से हुआ है ये बताया, तो इस पे हड़बड़ी मत कीजिएगा, आप अजम्पशन मत लीजिएगा। और तीसरा क्या बोला, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, अपने साल में कुछ परचेज भी हुआ है, आप जब बैंक और कैश ट्रांजैक्शन पढ़ोगे ना, एक परचेज हुआ है एसेट का, तो उस पर भी तो डेप्रिसिएशन देना होगा, तो हड़बड़ी में अभी मत दे देना, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना फिर देना। तो 0.67 और 8 रुक जाएंगे आप, बात बाकी कंप्लीट कीजिए। लास्ट तक कंप्लीट कर फिर बात करेंगे उस पर। टोटल सेल्स 18 लाख, 1440 आपका क्रेडिट सेल आया होगा, विच इज 80%। मेरा क्वेश्चन इतना दूर पहुंच गया, मैंने लास्ट तक पढ़ लिया 0.6 और 7 को छोड़ के, मेरा क्वेश्चन में इतना एलिमेंट आ चुका है, आप एक बार ट्राई कर लो, मैच कर लो इनको। पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है, डेटर क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस 0.1 बोल ही दिया, इस साल का जो डेटर बैलेंस है वो 20% से इंक्रीज किया कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो 1 लाख हो गया 1,20, क्रेडिटर भी 1 लाख हो गया 1,20, क्लोजिंग दिया हुआ है, आपको सेल्स परचेज कैलकुलेट करना था। ये बैलेंस शीट इतना दूर तक ये रहा, मैं डेटर क्रेडिटर लिख देता हूं, क्रेडिटर 1,20, डेटर्स 1,20, ये अभी तक का इतना दूर हम लोग पहुंच गए। फिक्स्ड एसेट में कोई हड़बड़ी पे अगर 290 पे सिर्फ डेप्रिसिएशन कर दिया तो वापस काटना पड़ेगा, परचेज भी दिया हुआ था। आगे कैश बैंक देख लो, हाँ तो तुम एक्सपेंसेस को क्या किया,
तो बैंक में उतना था, यही गलती हो गया, उस इंफॉर्मेशन को तुमने बाईपास कर दिया। तुम एक बार अपनी बैलेंस शीट देखो, क्या करंट रेशियो 2 हो रहा है? मतलब वो गलत है, वहीं पे एक इंफॉर्मेशन बाईपास कर दी तुमने। दिखा रहा हूं, कैश बैंक सही है, अभी तक मैंने बंद किया ही नहीं है, कर दूंगा बंद, मैंने हड़बड़ी की का है अभी। ठीक है, मेरे को ना पहले दो लाइन का मतलब पढ़ के बताओ, 9 का पॉइंट ए और 9 का पॉइंट बी, पेमेंट टू क्रेडिटर इंक्लूडेड 1 लाख बाई कैश, मतलब कुछ चेक से भी पेमेंट हुआ है, हम लोगों ने सिर्फ कैश वाला बताया है, और उसके नीचे रिसीव्ड इंक्लूडेड 1180 बाई वे ऑफ चेक, मतलब कुछ कैश से भी हुआ है, हमने सिर्फ बैंक वाला बताया है। यानी डेटर और क्रेडिटर अकाउंट को जब मैं क्लोज करूंगा, बैलेंस पता है क्या आएगा, इधर बाई कैश, इधर टू बैंक। जो कलेक्शन दिया हुआ है ना, वो पूरा कलेक्शन नहीं है, वो पार्ट कलेक्शन है, बैलेंस कलेक्शन आपको निकालना पड़ेगा। तो बताइए, डेटर को कैश से कितना कलेक्ट किया हमने, 2,40,000। डबल एंट्री कर दो इसकी, और क्रेडिटर को चेक से हमने कितना पेमेंट किया, 6,00,000। डबल एंट्री कर दो इसकी। बोला जो कलेक्शन और पेमेंट दिया है वो इंक्लूडेड है, मतलब और भी कुछ है जो उन्होंने बताया नहीं, तो हमने मिसिंग फिगर कैलकुलेट किया। अब इसका अगर डबल एंट्री करूं, कैश में आ जाएगा 2 डेटर 2,40,000, और बैंक में आ जाएगा बाई क्रेडिटर 6,00,000। हां लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप वो ऊपर कैश के साथ लिख सकते हैं, जो क्रेडिटर लिखा ना 1,00,000, यहां पे आप 6,00,000 लिख सकते हैं। ठीक है, अब कैश बैंक में आते हैं, कैश अकाउंट में क्या क्या बाकी है ध्यान से मेरे को बताना। एक तो डिफल्केशन बाकी है, बाकी है कैश परचेज है ही नहीं भैया, इस बार तो सारा परचेज क्रेडिट पे है, डिफल्केशन। दूसरा एक्सपेंसेस पे हुआ है, अब बोला नहीं है कैश से पे हुआ है कि बैंक से, हम अजम्पशन नहीं लेंगे क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है, स्कोप है, हम हड़बड़ी में ये नहीं बोलेंगे सारा कैश से पेमेंट हुआ या सारा बैंक से पेमेंट हुआ, वेट करते हैं कुछ इंफॉर्मेशन और का। बैंक जब बंद करने जा रहा हूं तो पहला प्रॉब्लम क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, दूसरा प्रॉब्लम उस एक्सपेंसेस का पेमेंट कितना बैंक से हुआ है ये नहीं पता है। तो अभी मैं ना कैश बंद कर पा रहा हूं ना बैंक बंद कर पा रहा हूं, तो इसके बिना तो काम आगे बढ़ेगा नहीं। अब मेरे को करंट रेशियो को यूज करना पड़ेगा, करंट रेशियो को यूज करते हैं। आइए पहले तो देखो ना, सेल्स परचेज का मैंने ऐसा वर्किंग नोट दिया और मैंने एक लाइन लिखा है जो शायद आप नहीं लिखे हो, मैंने आपको हमेशा बोला ये रेशियो यूज करते समय ये लाइन लिख देना, भैया लास्ट क्वेश्चन में क्यों नहीं लिखे, लास्ट क्वेश्चन बोल दिया था, क्वेश्चन खुद चला के बोला था कि इवेनली है, ये क्वेश्चन में इवेनली का जिक्र नहीं है। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा आपको। अब बताइए मेरे को करंट रेशियो को यूज करना है बैंक बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए, करंट रेशियो है 2, तो करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 2। अब करंट एसेट बता हमारे पास क्या क्या है, स्टॉक, डेटर्स,
बैंक और कैश तो उस दिन जीरो हो गया था ना, अगर जीरो हो गया तो बात ही नहीं करना है उसका। लायबिलिटी में क्या क्या है? क्रेडिटर। और तुमको पता है एक बच्चा मेरे से झगड़ा करेगा, बोलेगा सर मानिए मानिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर कुछ हो जाए तो, सर जो 5 लाख का एक्सपेंस दिया है मान लीजिए उसमें कुछ आउटस्टैंडिंग हो गया तो, अगर वो झगड़ा करेंगे तो फिर क्वेश्चन बंद नहीं हो पाएगा। मतलब आपको ये छोटा सा अजम्पशन लेना पड़ेगा कि सारा एक्सपेंस 5 लाख का पे हो गया। वहां पे ऐसा वर्ड लिखा है क्या? पेड। बोला टोटल एक्सपेंस 5 लाख है, पे हुआ है कि नहीं ऐसा कुछ बोला। बट अगर मैं आउटस्टैंडिंग का झमेला करने जाऊंगा तो यहां पे ना मेरे पास बैंक है ना मेरे पास आउटस्टैंडिंग है, मेरा कभी भी यहां से इंफॉर्मेशन कंप्लीट ही नहीं होगा। तो मैंने एक अजम्पशन लिया है, ऑल एक्सपेंसेस आर पेड। ये नहीं बोला बाई कैश बाई बैंक, बस मैंने ये बोला ऑल एक्सपेंसेस आर पेड, देयर इज नो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब मेरे को बता स्टॉक का वैल्यू तेरे पास है 80,000, डेटर का वैल्यू 1,20, बैंक पता नहीं, और क्रेडिटर इंटू 2 करोगे तो 2 × 1,20,000। क्या बैंक का बैलेंस आ जाएगा? कितना? 40,000। करंट रेशियो का ये यूज था, आपको स्टॉक डेटर और क्रेडिटर का बैलेंस दे दिया, करंट रेशियो यूज करके बैंक बैलेंस निकाल लो। अजम्पशन नहीं लेना है कुछ भी। अब जाके पुट करो और फाइनल आंसर निकालो। हाँ ये वेग नहीं लगता है, पूरे साल भर का खर्चा कुछ पेमेंट ही नहीं हुआ। ये अचानक से कैसे 50% वन में आया? पूरा आउटस्टैंडिंग लेना वेग नहीं लगता? मैं इंप्लॉइज को सैलरी नहीं दे रहा हूं 12 महीने से, रेंट जगह का पेमेंट ही नहीं कर रहा हूं 12 महीने से, बिजनेस चला रहा हूं, वेग है वो अजम्पशन। आप बताइए क्या बैंक अकाउंट में कुछ डिफरेंस है? और ये बताए क्या है वो एक्सपेंस जो पेमेंट किया है हमने बैंक से 2,50। तेरा 2,10,000 ओवरड्राफ्ट आया होगा। वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बट वो 40,000 तो निकालना पड़ेगा आपको, कैश से बैंक में नहीं, बैंक से कैश में, कि ये बैंक से हमने कैश में विड्रॉ किया और पूरा 5 लाख कैश से पे कर दिया, एक ही बात पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब मेरे को बता कैश से कितना पेमेंट हुआ? 2,50,000। और सुन ये अजम्पशन नहीं है 50-50, कोइंसिडेंस से 50-50 हो गया, ये मियर कोइंसिडेंस है कि दोनों 50-50 हो गया। ऐसा हो जरूरी, 2,30, 2,70 भी हो सकता है, 3 लाख 2 लाख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। अब बोल क्या निकलेगा? कैश डिस्ट्रॉयड। बोल कितना? 20,000। 2,50 तो खर्चा दिखा दिया ना दीदी, 5 लाख का टोटल एक्सपेंस, 2,50 बैंक से तो 2,50 कैश से, 20,000 का डिफल्केशन। अब बंद करो क्वेश्चन, फटाफट बैलेंस शीट टैली करो।
ये वाला सिंगल एंट्री का सबसे बड़ा गलती अजम्पशन ले लेना, जब तक जरूरत ना पड़े तब तक अजम्पशन मत लो, अदरवाइज क्या होगा, इजी हो जाएगा काम, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा, बट वो जो आंसर आएगा वो वेग रहेगा। नहीं दिया हुआ रहता तो फिर हम लोग को माथा लगाना पड़ता, कुछ और देता बिल्कुल, हो सकता है बैंक का क्लोजिंग बैलेंस ही दे देता, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस ही दे देता तुमको 40,000, तो वो देगा कुछ आपको इंफॉर्मेशन। हो गया, बताइए कैश डिफल्केशन अब एक एक करके मेरे को जीपी बता, 10,80,000 ये बैलेंसिंग फिगर, हाँ माइनस तीनों कर दो 486, अब ये बैलेंस शीट टोटल टैली करवा लो, ये हो गया 786 प्लस 120 906, बैंक कितना है 40,000, क्वेश्चन का सबसे बढ़िया पॉइंट क्या था पता है, एक्सपेंस वाला पॉइंट, कि कितना कैश में पेमेंट हुआ और कितना बैंक से पेमेंट हुआ, और उसके लिए हम लोग को करंट रेशियो यूज करके बैंक का बैलेंस निकालना पड़ेगा। वर्किंग नोट, वो आपको बताएगा क्वेश्चन, अगर नहीं बताएगा तो आप इस एक इक्वेशन से दो फिगर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, वो डेडलॉक है क्वेश्चन का, इसीलिए हमको एक अजम्पशन लेना पड़े, ऑल एक्सपेंसेस आर पेड, बातचीत बंद। अगर क्वेश्चन बोल दे 20,000 आउटस्टैंडिंग है तो क्या होगा, यहां पे मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड करूंगा और फिर बैंक का बैलेंस निकल जाएगा और वो बैंक में बैठा के एक्सपेंस निकालेंगे और बैलेंस कैश से पे कर देंगे, बट वो क्वेश्चन को बताना पड़ेगा, डन है बात। ये रह ले, कौन सा वाला, क्वेश्चन 26 होमवर्क होगा आज का, हो गया कुणाल, लिख रहे क्या, तो तेरे को क्लोजिंग बैलेंस तो दिया नहीं है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, अगर होता तो वो क्लोजिंग बैलेंस में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है।
हो गया रे बैंक वाला, हाँ नहीं बोला कि क्या कि आउटस्टैंडिंग है, क्या चीज में बातचीत बंद कीजिए ना। अगर तुम बैंक में 2.5 लाख, क्या बैंक का 2.5 लाख ले लेगा? दिक्कत नहीं है, बट तुम सोच जब तेरे पास कैश अवेलेबल है तो इतना बड़ा खर्चा आउटस्टैंडिंग रख के क्या फायदा? करंट रेशियो नहीं लेगा वो, तो बैंक 40 ले ही रहा है। और हां करंट रेशियो भी तो चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग ले लिया ना, करेक्ट, वो चेंज हो जाएगा। हो गया रे डन। बातचीत बंद कीजिए ना। एक बार मैं चैप्टर के फर्स्ट पेज में वापस आया हूं, आपको जाने की जरूरत नहीं है, कॉपी में ये लिखा हुआ है। आपको हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर में दो एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। पहला एस्पेक्ट था प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसके हमने ऑलरेडी 21-22 क्वेश्चन शायद बना लिए हैं, डन है बात। दूसरा एस्पेक्ट था कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट विदाउट प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग पीएल अकाउंट यूजिंग कैपिटल कंपैरिजन टेक्निक। अब हम लोग इस पर बात करना चालू करेंगे। सर दो तीन क्वेश्चन जो बचा हुआ है एक बार साइड रखो, उनको उनको करेंगे। कल की क्लास में एक क्वेश्चन और कराऊंगा, एक क्वेश्चन अपने को करना नहीं है और एक क्वेश्चन कल का होमवर्क रहेगा, डन है बात। तो अभी हम लोग पॉइंट नंबर 2 ऑफ द चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पे अब हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट कंप्यूट करना किसी बिजनेस एंटिटी का विदाउट प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग पीएल अकाउंट जस्ट बाय यूजिंग कैपिटल कंपैरिजन टेक्निक। सर कैपिटल कंपैरिजन का मतलब सिंपल ऐसे बोल रहा हूं, मान लो साल के शुरू में मैंने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया 1 लाख रुपया, साल के एंड में इस कैपिटल की वैल्यू हो गई 1,20,000, नो इंट्रोडक्शन नो ड्रॉइंग्स। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं 1 लाख से 1,20,000 होने का कारण है कि हमने साल भर में 20,000 का प्रॉफिट कमाया है। तो कैपिटल का कंपैरिजन करके भी नेट प्रॉफिट तक पहुंचा जा सकता है। अगर आप बेसिक समझो, बैलेंस शीट में आप कैपिटल को किस तरीके से शो करते हो, ओपनिंग प्लस इंट्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग इक्वल टू क्लोजिंग। अगर मैं आपको ओपनिंग क्लोजिंग ड्रॉइंग इंट्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन दे दूं और बोलू नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करो, क्या इस इक्वेशन से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा सकता है? हम लोगों को अब सेकेंड पार्ट में यही चीज करना है। तो मतलब सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर जो है वो ट्रेडिंग पीएल बनाना नहीं है, बिना ट्रेडिंग पीएल बनाए प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखना है। दिस इज ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ अ प्रॉफिट। सर ये ऑल्टरनेटिव मेथड हम लोग कब यूज करते हैं? आंसर इज जब हमारे पास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड नहीं है। अगर इनकम एक्सपेंसेस की डिटेल है तब तो इनकम माइनस एक्सपेंस करके प्रॉफिट निकाल लो, जो बचपन से कर रहे हो, माथा लगाने का जरूरत ही नहीं है। बट मान लो तुमको मैंने डिटेल्ड इनकम और एक्सपेंसेस की डिटेल्स नहीं दी, अब अगर मैं तुमको बोलू प्रॉफिट कैलकुलेट करो तो हाथ पैर मारने के लिए इनकम माइनस एक्सपेंस तो बचा नहीं, अब मेरे को बैलेंस शीट से प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कैपिटल को कंपेयर करके प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये टॉपिक अगर मैं तुमको फॉर्मेट वाइज पढ़ाऊं तो 2 मिनट का टॉपिक है,
बट वो करने से तुमको कभी इस टॉपिक में इंटरेस्ट आएगा नहीं। तो एक बार तुमको एक रियल लाइफ स्टोरी समझाता हूं जो जहां पे ये काम आएगा, और उसके बाद तुमको मैं बताऊंगा इसका क्वेश्चन वगैरह हम लोग कैसे बनाएंगे। अब रियल लाइफ स्टोरी समझाने के लिए तुमको मेरा एक पर्सनल स्टोरी बताना पड़ेगा। हमारे घर में 2003 में एक इनकम टैक्स का रेड पड़ा था। इसमें ओ का क्या, ये तो गलत बात है भाई, नहीं पढ़ना चाहिए था। उस समय पॉकेट मनी भाई 10 रुपया ही था, लग कर भी लेता तो कुछ नहीं मिलता उसको, 10 रुपया भी नहीं था, 5-6 रुपया होगा उस समय। हाँ, उस समय भी हम लोग कमाते थे, हम बचपन से, हम और मेरा छोटा भाई बड़ा भैया, हम लोग बहुत मतलब होता है ना माथा पच्ची का काम करके, कि हम लोग को हमेशा से आदत था पैसा कैसे कमाए। कोई किया होगा शायद इस क्लासरूम में भी, जो मैंने बचपन से किया था, मैंने और मेरे छोटे भाई ने, गेम का जो सीडीज होता है जो कंप्यूटर में चलता है, वो आपको पता है रीयूजेबल होता है। आपने अगर गेम को इंस्टॉल कर लिया, फिर आप अपने दोस्त को दे दो, वो इंस्टॉल करके खेल सकता है, किसी को भी दे दो, वो इंस्टॉल करके खेल सकता है। हम लोग श्याम बाजार से गेम की सीडीज हम लोग अपने खेलने के लिए लेते थे, जैसे काउंटर स्ट्राइक वगैरह गेम खेलते थे, या फिर कमांडोज वगैरह हम लोग गेम खेलते थे, और वो 25 वाला सीडी हम लोग पहले क्या कर लेते थे, इंस्टॉल कर लेते थे, कॉपी कर लेते थे उस सीडी का कंटेंट अपने कंप्यूटर में, फिर वही सीडी दोस्त को भेज देते थे, भाई हम 25 में खरीदा, तेरे को 20 में दे रहा है। क्यों 20 में दे रहा है, 5 रुपया में मेरा गांव गेम हो गया ना, तो मेरे लिए जो गेम 25 रुपया का पड़ता है, वो गेम हम कितना में खेल लेते थे, 5 रुपया में। सर क्यों ही खरीदते थे सीडी, उस समय सबके पास गेम्स होता नहीं था, तो हम लोग उस तरीके से, मतलब एक दिमाग में हमेशा रहता था किस तरीके से बचत की जाए। आजकल तो तुम लोग को ये सब लगता नहीं है, क्या 25 अभी निकाल के देते हैं भैया, बोलिए कितना चाहिए आपको, ये अलग बात है तुम लोग का। कुछ दोस्त ऐसा होता था जो बोलता था भाई 20 रुपया नहीं देंगे, तो भाई कॉपी करके हमको दे दे 10 रुपया सीडी, 10 रुपया दे दे, कॉपी करके वापस दे दे, तेरा गेम हम इंस्टॉल कर देता है, वापस सीडी आ गया, वापस किसी और को चिपका दिए, डबल फायदा हो जाता था। अरे ये सब बचपन में बहुत किया होगा। तो इनकम टैक्स की रेड पड़ी 2003 में, ये इनकम टैक्स की रेड हमारी कमाई पर नहीं थी, पापा के बॉस जो है उनके यहां रेड पड़ी, और उनको सस्पिशन था कि उनके यहां कुछ है पंगा वगैरह, मतलब है कमाई है बताते नहीं है, तो किसी ने लीड दी कि आप वहां जाओ आपको मिलेगा। तो उसने लीड में यही बोला कि अगर इनके बारे में कुछ पता करना है तो आप राजेंद्र संचेती को पकड़ लो, उसको इनकी सारी इंफॉर्मेशन है, ही इज दी राइट हैंड लेफ्ट हैंड सब कुछ है, और वो सारा इनका काम संभालता है, तो इनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसको पहले पकड़िएगा। तो हमारे घर पे भी आ गए, एक साथ 7-8 जगह रेड की थी उन्होंने, पापा के बॉस के घर, बॉस के भाई के घर, सब जगह रेड करके हमारे घर पे भी रेड हुई। अब रेड में माहौल वैसा ही रहता है जैसा आपको रियल लाइफ में पिक्चर्स में दिखता है, जो तुमने रेड पिक्चर देखी है ना वैसा ही एकदम माहौल रहता है, मतलब वो गद्दा फाड़ देना, तकिया फाड़ देना, फ्लश तोड़ देना, फॉल सीलिंग तोड़ देना, वो आटा दाल चावल गिरा के चेक करना पैसा है कि नहीं, सारा काम होता है। हाँ, वो गुंडा मवाली वाला जैसा काम होता है वहां पे। हम लोग के यहाँ खोजा कुछ मिला नहीं भाई, आटा के हमें आटे ही रखते, खाना ही हो जाए पहले, हम लोग को देख के नहीं समझ में आया उसको कि भाई ये लोग आटा में आटा ही रखेगा, ये लोग पैसा नहीं रखेगा। तो वो सब खोज लिया, कुछ नहीं मिला, लास्ट में मम्मी का अलमारी था, वहीं पे सब कुछ था, वहां पे जाके देखना शुरू किया। अब आया तो उनकी तरफ से था, बट पापा का भी पर्सनल फाइल उनके पास था कि मेरे पापा का क्या इनकम वगैरह है, सब कुछ था। तो वो लोग ये चीज का असेसमेंट करने आया कि राजेंद्र संचेती, तुम जितनी इनकम बताते हो क्या तुम्हारी कमाई भी उतनी है, या तुमने कुछ एक्स्ट्रा कमाया जो हमें बताया नहीं। अब वो ये चीज का असेसमेंट करने हमारे यहां आए। भैया ये चीज का असेसमेंट तो वो आपका पीएल लेके भी कर सकते थे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ले लेते, घर पे बैठ के देख लेते, अरे मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो वैसे ही सजाया हुआ है ना जैसा हमने उनको पीएल दिया है। अबे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग ऐसे खुला थोड़ी छोड़ते हैं, अगर हमको प्रॉफिट 2000 रुपए का दिखाना है तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी ऐसे ही फ्रेम करके देंगे ना कि 2000 का प्रॉफिट है,
बहुत जन होता है दो दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है, एक कच्चा एक पक्का, सुनोगे तुम लोग घर पे अपने, या कच्चा वाला पेन ड्राइव में होता है, वो पेन ड्राइव पापा के अंदर वाले पॉकेट में रेगुलर रहती है, वो तुम लोग देखोगे, ये सब तुम लोग को भी देखने मिलेगा, तुम लोग भी करोगे, देखो ना। हम तो जानते हैं मेरे जैसा शरीर तुम बन नहीं पाओगे, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो उनको ये असेसमेंट करना था कि राजेंद्र संचेती ने जितनी इनकम दिखाई है, पीएल में जितना प्रॉफिट दिखाया है, जो बैलेंस शीट इन्होंने इनकम टैक्स को दी है, क्या ये इंफॉर्मेशन सही है या गलत है। पहला तरीका हो सकता है कि यार राजेंद्र संचेती को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बुला लेते, बुक्स के साथ बुक्स को एनालाइज कर लेते, पता चल जाता क्या कमाई है। अरे राजेंद्र संचेती बुक्स भी तो वैसा ही बना के रखा है जैसा तुमको रिटर्न लगा के दिया है, हम कोई बेवकूफ थोड़ी है, तुमको बताएंगे 10,000 और बुक में लिख के रखेंगे 15 लाख, क्योंकि हमको पता है तुम किसी भी दिन आ सकते हो या किसी भी दिन मंगवा सकते हो, तो जैसा तुमको बताएंगे वैसा भी तो बुक्स फ्रेम करना पड़ेगा। तो बुक्स से आप अगर खोजने जाओगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, अगर बुक से वापस तुम भी नया ट्रेडिंग पीएल बना लोगे तो तुमको भी वही मिलेगा जो मैंने बना के दिया है, क्योंकि मैंने तो अपने ट्रायल बैलेंस को उसी तरीके से सजाया है जैसा हमको प्रॉफिट दिखाना था तुमको। तो अब उन्होंने ये देखा कि इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट से हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, अब इसका पर्सनल असेसमेंट करना पड़ेगा कि भाई इसके पास कितनी पूंजी है, क्या ये जो बैलेंस शीट हम लोग को दे रखा है उतनी पूंजी इसके पास है कि कुछ और भी एक्स्ट्रा है, क्योंकि बिजनेस में अगर कमाई होगा तो घर पे एसेट्स आएंगे, या घर पे अगर एसेट में बढ़ोतरी हो रही है तो वो एसेट कहां से आएंगे, बिजनेस की कमाई से ही आएंगे। मान लो एकदम सिंपल, मेरे को तुम लोगों से फीस मिली, मान लो 5 लाख रुपए, सारी मिला के 5 लाख रुपए फीस मिली, मैंने इनकम टैक्स में सेल्स दिखाई सिर्फ 2 लाख, ऐसा थोड़ी है 3 लाख जला के आ गए, कहीं ना कहीं तो 3 लाख है और किसके पास है। मान लो उस 3 लाख में मैंने एक बुलेट बाइक खरीद ली 1 लाख रुपए की, अब वो 1 लाख रुपए की बाइक मैं दिखा नहीं सकता हूं किसी को, पता है क्यों, अरे चला रहा हूं, दिखा नहीं सकता मतलब इनकम टैक्स वाले को, ऐसा नहीं है घर में लाके रख देंगे, ये देखो मेरे पास बुलेट बाइक है। 1 लाख रुपए की बाइक खरीदी उस पैसे से जो 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा बचाया था, ये 1 लाख रुपए की बाइक किसी को दिखा नहीं सकता। एक ब्रासलेट खरीदा 2 लाख रुपए का, ये मैं इनकम टैक्स को बता नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही वो देखेगा ना 2 लाख का ब्रासलेट, अविनाश जी कहां से लाया, हमको बताना पड़ेगा ये पैसा कहां से आया। अगर हम उसको बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, तो वो बोलेगा ये 2 लाख रुपए आपने हमसे छुपाया है, अगर आप घर पे कुछ खरीद रहे हो, आपके पास एसेट्स आ रहा है, तो पक्का आप कहीं ना कहीं से वो पैसा कमा के ला रहे हो। तो अब उन्होंने बोला कि राजेंद्र संचेती का पर्सनल एसेट का असेसमेंट जरूरी है। घर आए वो, घर में उन्होंने मम्मी का अलमीरा खोला, सबसे पहले निकला कैश, ठीक है, कैश निकला मान लो 1.5 लाख रुपए, जबकि पापा की बैलेंस शीट में कैश शो किया हुआ था 5,000। अभी रुको सुनो पूरा बात, पापा की बैलेंस शीट 31 मार्च की थी और वो आए अक्टूबर नवंबर में दिवाली के टाइम, 6 महीना में कमाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उन्होंने ये नहीं बोला राजेंद्र संचेती आपने गलत काम किया, उन्होंने ये पूछा सिर्फ ये पैसा आया कहां से। वो आपसे झगड़ा नहीं करते, वो आपसे हिसाब मांगने आते हैं। उन्होंने बोला सर आपका 5,000 कैश बैलेंस था 31 मार्च को, आपकी ऑफिस में हमने अभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक की, वहां पे बैलेंस दिखा रहा है 25,000 रुपया और, तो टोटल मिला के सर 30,000 रुपया के आसपास बैलेंस होना चाहिए, आपका 1.5 लाख रुपया बैलेंस सर कहां से आया, अगर एक्सप्लेन कर दो आप कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, कल डेटर से कलेक्शन किए थे 1,20,000 का, अभी तक ना बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, आप जाके फलाना डेटर को फोन कर लो, आप पूछ लो उससे मैंने कलेक्शन हुआ है। अगर मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो वो कोई क्वेश्चन आगे नहीं करेगा, अगर मैं नहीं बोल पाया मतलब वो पता है क्या बोलेगा, ये 1,20 वो कैश है जो आपने कमाया है बताया नहीं। अब वो क्या करेगा पता है, 5,000 का कैश को काट के कैश को बना देगा 1,25,000। मेरा बात समझ में आ रहा है, वो क्या कर रहा है, वो आपकी पूंजी का असेसमेंट कर रहा है। फिर दूसरा निकला मम्मी की अलमारी से ज्वेलरी, ज्वेलरी टोटल निकाला 25 लाख रुपए का, पापा की फाइल में ज्वेलरी दिखाया हुआ 5 लाख रुपया, बोला राजेंद्र जी 20 लाख की ज्वेलरी कहां से आई, सब हाइपोथेटिकल बता रहे हैं तुमको, बाहर जाके किसी से बात मत करना रे, हाँ अरे कर भी लगे तो कुछ नहीं हो छोड़ना, हम तो बता रहे हैं भाई खुल के, वो भी क्या हाइपोथेटिकल, ये बोल रहे हैं कि हाँ तुम इसको ज्यादा सोचना मत इसको लेके, नहीं तो तुम तो इंडेक्सेशन लगा दोगे,
अभी सीखा नहीं है शायद, सीखोगे कैपिटल गेन चैप्टर, सीखोगे इंडेक्सेशन, बोलोगे भैया 2003 में आपके पास 25 लाख का था, आज के दिन उसका वैल्यू होगा। वो बच्चा अलग अलग लेवल पे चला जाता है उसको लेके। सीखोगे तुम लोग कैपिटल गेन्स में। अब पूछा 20 लाख का ज्वेलरी आया कहां से, अगर पापा एक्सप्लेन कर पाए कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं एक्सप्लेन कर पाए तो पता है वो क्या करेगा, बैलेंस शीट से 5 लाख का ज्वेलरी काटेगा, 25 लाख का ज्वेलरी लिख देगा। अब मेरे को एक बात बताओ, जब वो मेरे पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज का असेसमेंट करेगा, क्या पर्सनल एसेट और लाइबिलिटी के चेंज होने से पापा की पूंजी यानी कैपिटल चेंज हो जाएगी? अगर कैपिटल चेंज हो जाएगी तो जो प्रॉफिट मैंने डिस्क्लोज किया था चेंज हो जाएगा? जैसे मान लो एक ऐसा भी हुआ, हमने उस साल एक पार्टी की, 5 लाख रुपए पार्टी में लगे, किसी का एनिवर्सरी मान लो सेलिब्रेट किया, हमने बताया नहीं था इनकम टैक्स में, कैश में पैसा दिया। सर ऐसा होता है? अरे हाँ सब होता है, पार्टी करते हैं थोड़ी बताते हैं किसी को, फॉरेन टूर में लोग जाते हैं कैश में देके, कुछ पक्का कुछ कच्चा, आप सुनोगे कुछ पक्का कुछ कच्चा दे रो। तो हमने 5 लाख की एक पार्टी थी जिसका हमने डिस्क्लोजर नहीं किया, और उस 5 लाख का बिल उन लोग को मिल गया। कुछ तो लिखित में हमारे पास होगा जो हम लोगों को नहीं बताते बट अपने पास रखते हैं। अब जैसे ही 5 लाख का बिल मिला, बोला राजेंद्र जी बहुत पार्टी कर रहे हैं आजकल, 5 लाख रुपए का पार्टी की है, बताए नहीं हम लोग को, आपका यहां पार्टी का कहीं ड्रॉइंग्स किया हुआ नहीं है। अगर आप ये 5 लाख रुपए का पार्टी करेंगे तो वो पैसा कहीं ना कहीं से आएगा, अगर पैसा कहीं ना कहीं से आएगा मतलब आपके बिजनेस से आएगा, क्योंकि कमाई का सोर्स तो आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस में सर 5 लाख की ड्रॉइंग्स है ही नहीं, तो सर मतलब ये भी आपने कमाया है जो हमको बताया। अब वो इन सब चीजों का असेसमेंट करके पापा की एक्चुअल कैपिटल तक पहुंचे। हमने कैपिटल मान लो दिखा रखी थी 5 लाख, उनके असेसमेंट से आया कैपिटल होगा 30 लाख रुपया। अब देखो वो क्या बोल रहा है, साल के शुरू में राजेंद्र जी आपकी कैपिटल थी 2 लाख रुपए, आपने हमें बताया हो गई क्लोजिंग कैपिटल 5 लाख, तो आपने 3 लाख का प्रॉफिट डिस्क्लोज करके हमें टैक्स दिया। अब राजेंद्र जी आपकी पूंजी के हिसाब से आपका कैपिटल 30 लाख है, मतलब 2 लाख से जो 30 लाख का चेंज है, यानी आपका प्रॉफिट कितना था 28, 28 लाख का प्रॉफिट था, आपने बताया सिर्फ 3 लाख, मतलब आपने 25 लाख का प्रॉफिट छुपाया था। उसके ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट पेनल्टी टैक्स जोड़ के पापा को एक चलान पकड़ा दिया, बोला ये भर दीजिएगा। उसके बाद बहुत साल झमेला चला वगैरह चला, 2011-12 में आके कंप्लीट हुआ, हाईकोर्ट तक बात गई थी, और उसके बाद जाके हम लोग केस जीत गए थे, और फिर जो होना था पापा ने कर दिया। तो 2011 तक मतलब 8 साल तक ये केस चला था। अब केस से उठ के थोड़ा सिंगल एंट्री में आओ, यहां पर जब उनको हमारे बिजनेस का प्रॉफिट या हमारे बिजनेस की कमाई कैलकुलेट करनी हुई, उन्होंने हमारे बिजनेस के ट्रेडिंग अकाउंट को या बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को छुआ नहीं। उन्होंने बोला अगर ट्रेडिंग पीएल या ट्रायल बैलेंस से वो हम लोग बनाएंगे ना तो कुछ पता नहीं चलेगा। पता है क्यों? क्योंकि आपने ट्रायल बैलेंस भी गड़बड़ दे रखा है। आप इतने तो बेवकूफ है नहीं कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिना चेंज किए खाली फाइनल अकाउंट चेंज कर देंगे? आप तो फाइनल अकाउंट वैसा ही देंगे ना जैसा आपका फाइनल ट्रायल बैलेंस है, तो वहां से हमको कुछ नहीं मिलना। और अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम एक एक इनकम को जाके चेक करें कि इनकम सही है कि नहीं, और जो कैश में आपने इनकम कमा ली उसका तो हमको पता ही नहीं चलेगा। तो अब हम लोग आपका एस्टेट का वैल्यूएशन करके चेक करेंगे कि आपका कितना पूंजी बढ़ा है 2 साल में, इस साल में कितना पूंजी बढ़ा है, और वही पूंजी जो आपका बढ़ा है वो आपने बिजनेस में कमाई की है, और जो हमें डिस्क्लोज घर पे तुम्हारे कुछ भी आता है वो कमाई से ही तो आता है, फ्री का थोड़ी आ जाता है। भैया मान लो हमको कुछ गिफ्ट मिला, अगर गिफ्ट मिला आप उसको प्रूफ कर देते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उस गिफ्ट पे भी टैक्स देना पड़ता है इनकम टैक्स, तो वो सब अलग अलग धीरे धीरे चीज आएगा। बट अगर आप प्रूफ नहीं कर पाओगे तो वो पता है सीधा बोलेगा ये जितना डिफरेंस है ये आपकी इनकम है जो आपने डिस्क्लोज नहीं की, अब इस अनडिस्क्लोज इनकम पे आप अपना टैक्स दो, आप इंटरेस्ट दो, आप पेनल्टी दो। तो यहां पे जब उसको कैपिटल प्रॉफिट कंप्यूट करना हुआ तो उसने प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए क्या टेक्निक यूज किया, कैपिटल को कंपेयर किया, आपका ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का जो एक्चुअल वैल्यू है उनको कंपेयर करके उसने बोला कि आपका प्रॉफिट इस साल 28 लाख होना चाहिए, प्रॉफिट 3 लाख नहीं होना चाहिए। हम लोग भी यही काम सीखेंगे।
रियल लाइफ में ये जब असेसमेंट्स होते हैं जहां पे आपके प्रॉफिट को रिकनसाइल करना पड़ता है यूजिंग सम डिफरेंट मेथड, ये एक मेथड है जो यूज किया जाता है टू रिकनसाइल द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। सर आप बिजनेस का और पर्सनल क्यों मिला रहे हैं? सर बिजनेस और पर्सनल तो अलग अलग होता है। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में बिजनेस और पर्सनल अलग अलग नहीं होता है, क्योंकि कमाई अगर नहीं होगा तो घर पे कोई भी सामान ही, तुम्हारे घर पे ज्वेलरी भी आ रहा है तो वो बिजनेस की कमाई से ही आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा सोर्स ऑफ अर्निंग तो एक ही है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में तुम्हारे पास कुछ भी आ रहा है वो वहीं से आ रहा है, बस तुम एक्सप्लेन नहीं कर रहे उस चीज को, डिस्क्लोज नहीं कर रहे उस चीज को। अब हम लोग इस टॉपिक में इसी मेथड को यूज करके एंटिटी का प्रॉफिट कैलकुलेशन सीखेंगे। तो यहां पे प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए पहले एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को असेस किया जाता है, उससे कैपिटल कंप्यूट किया जाता है, और फिर कैपिटल के डिफरेंस को प्रॉफिट मान के कैलकुलेट किया जाता है। सर और कहीं यूज होता है? हां, बैंक जब किसी को लोन देने जाता है, लोन तो बैंक जब लोन देने जाता है उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगवाता है। अब तुम बताओ 99% जो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करते हैं सच्चा जमा करते हैं कि फर्जी? सारा फर्जी, जो है नहीं वो सारा दिखा के बस प्रॉफिट ओवरस्टेट करना है भाई, ताकि बैंक हमको लोन दे, नहीं तो बैंक लोन सैंक्शन ही नहीं करेगा। अब बैंक भी तुमको पता है इसके लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पकड़ता है, बोलता है ये देख इसका स्टेटमेंट आया है, ये सारा इंफॉर्मेशन दिया है, तुम थोड़ा जाके असेस करके आओ ये जो इंफॉर्मेशन के हिसाब से प्रॉफिट निकला है ये सही है या। तुम अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करके प्रॉफिट निकालोगे तो तुमको तो वही दिखेगा। पहला ये हो सकता है कि तुम बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर लो, वहां प्राइमा फेसी सामने गलती मिल गया तो गलती मिल गया, जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल्स दिखाया 6 लाख, बैंक को सेल्स बताया 60 लाख, तो वो तो गलती एक सेकंड में पता चल गया। बट अगर कोई स्मार्ट आदमी होगा जिसको पता है इस चीज की ऑडिट होगी, वो पहले से ही सारा अपना सब कुछ क्या करेगा, सही कर लेगा। अब तुम जाके जब असेसमेंट करोगे तुम देखोगे डेटर का वैल्यू दिखाया है 5 लाख, ट्रायल बैलेंस में भी दिख रहा है 5 लाख। अब तुम उस डेटर का स्क्रूटनी करो कि 5 लाख का डेटर है भी या नहीं। तुमने देखा 5 लाख में 3 लाख फर्जी है, 2 लाख का ही डेटर है, तो जैसे ही तुम्हारा डेटर कम होगा एसेट कम होगा अपने आप कैपिटल, अगर एसेट कम होगा तो अपने आप कैपिटल कम हो जाएगा, सही वैल्यू निकलेगी, और कैपिटल की सही वैल्यू निकलेगी तो डिफरेंस प्रॉफिट सही कैलकुलेट हो जाएगा। उसने कुछ सेल्स की एंट्री मारी थी बेकार की, और कैश तो दिखा नहीं सकता क्योंकि कैश तो हम एक सेकंड में चेक कर लेंगे, तो उसने क्या किया क्रेडिट सेल्स दिखाया कि ये मिस्टर एक्स को 3 लाख का माल बेचा, जबकि मिस्टर एक्स कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपको ये असेसमेंट करके उनका कैपिटल कंप्यूट करके फिर कंपेयर करके रिकनसाइल करना पड़ता है, वो जो प्रॉफिट दिखाया है और जो मेरे असेसमेंट के हिसाब से प्रॉफिट आया है वो सही है या नहीं है। तो एक्चुअली ये जो कंप्यूटेशन टेक्निक सिखा रहे हैं ये एक्चुअली प्रॉफिट को रिकनसाइल करने की टेक्निक है, जहां पर आपके पास जो इनकम और एक्सपेंसेस की डिटेल है या तो डिटेल ही नहीं है, या जो डिटेल है वो डिटेल सही नहीं है, विश्वास करने लायक नहीं है। पहले बताइए इस टॉपिक में क्या सीखने जा रहे हैं, वो आपको बात समझ में आए? करना कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल काम, तुमको एसेट लाइबिलिटी का डिटेल दे देगा ओपनिंग क्लोजिंग। अगर एसेट लाइबिलिटी का डिटेल दे दिया तो ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल निकाल पाओगे? अभी इतना दिन से बैलेंस शीट बना रहे हो, क्या करते हो टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी क्या निकल जाता है? कैपिटल। अगर कैपिटल निकल गया ड्रॉइंग्स इंट्रोडक्शन दे दिया तो क्या प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाओगे? करना सिर्फ इतना सा काम है, काम टोटल 2 स्टेप का है, बैलेंस शीट बना के कैपिटल निकालो, कैपिटल कंपेयर करके प्रॉफिट निकालो। बट इसके पीछे लॉजिक क्या है पहले वो समझ में आया, अदरवाइज तुमको ये टॉपिक बहुत ही बेकार लगेगा, क्योंकि सिंगल एंट्री में आपने इतने हाई लेवल के सम कर लिए कि इस टॉपिक में आपको लगेगा क्या मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। इसीलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड देने की कोशिश की कि किस तरीके से रियल लाइफ में हम लोग इसको यूज करते हैं। बात क्लियर है क्या? लिखे फटाफट, हेडिंग देंगे नया, लिखो कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट यूजिंग कैपिटल कंपैरिजन, यूजिंग कैपिटल कंपैरिजन। लिखो पॉइंट नंबर 1,
दिस इज एन ऑल्टरनेटिव टेक्निक, दिस इज एन ऑल्टरनेटिव टेक्निक टू कंप्यूट नेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, टू कंप्यूट नेट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, टू कंप्यूट नेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंड इज नॉर्मली यूज्ड, एंड इज नॉर्मली यूज्ड व्हेन डिटेल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, व्हेन डिटेल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस आर नॉट रिलायबल, आर नॉट रिलायबल और प्रोवाइडेड, आर नॉट रिलायबल या आर नॉट प्रोवाइडेड, एग्जाम के लिए वर्ड बोल रहा हूं प्रोवाइडेड, रियल लाइफ में वर्ड यूज करेंगे रिलायबल, कि तुम जो बोल रहे हो वो हमको सही नहीं लग रहा है, तो हम ऑल्टरनेटिव टेक्निक यूज कर रहे हैं तुम्हारा प्रॉफिट कंप्यूट करने का। पॉइंट नंबर टू, इन दिस मेथड नेट प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड या कंप्यूटेड, नेट प्रॉफिट विल बी कंप्यूटेड बाई कंपेयरिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल फॉर अ पीरियड, बाई कंपेयरिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल फॉर अ पीरियड, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल फॉर अ पीरियड एंड एडजस्टिंग ड्रॉइंग्स एंड इंट्रोडक्शन देयर ऑफ, एंड एडजस्टिंग ड्रॉइंग्स एंड इंट्रोडक्शन देयर ऑफ, ड्रॉइंग्स एंड इंट्रोडक्शन देयर ऑफ, फुल स्टॉप। पॉइंट नंबर थ्री, टू कंप्यूट प्रॉफिट वी विल फॉलो द फॉलोइंग टू स्टेप्स, वी विल फॉलो द फॉलोइंग टू स्टेप्स, फॉलोइंग टू स्टेप्स। नंबर ए, कंप्यूटेशन ऑफ, पहले क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल, कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल बाई प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये बैलेंस शीट का दूसरा नाम है रे, आप लोग यही नाम यूज करेंगे, बाई प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट, फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट ऑफ द पीरियड, फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट ऑफ द पीरियड। मेरे को कोई बता कैपिटल कैसे निकलेगा, कैपिटल विल बी इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। कैपिटल का दूसरा नाम सिखाया था याद है, नेट एसेट्स, क्या सीखे थे, नेट एसेट, वही टेक्निक है, नेट एसेट का टेक्निक। पॉइंट नंबर बी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द पीरियड डॉट डॉट डॉट, जिस पीरियड का भी कैलकुलेट करना है क्वेश्चन आपको बता देगा। मेरे को थोड़ा हेल्प करना, एक अपने बैलेंस शीट बनाते समय इक्वेशन यूज करते हैं, इसको सही से यूज करके नेट प्रॉफिट तक पहुंचना है, ओपनिंग प्लस इंट्रोडक्शन प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग इक्वल टू क्लोजिंग। अब इस इंफॉर्मेशन को शफल करके नेट प्रॉफिट का इक्वेशन दे, क्लोजिंग प्लस ड्रॉइंग्स माइनस ओपनिंग माइनस इंट्रोडक्शन। चलिए लिखें, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस इंट्रोडक्शन माइनस ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल।
ये निकल जाएगा नेट प्रॉफिट। काम सिर्फ इतना सा है, ये हो गया कंप्लीट टॉपिक का डिस्कशन। आप पेज नंबर 30 में आओ, एक मिनट का समय दे रहा हूं, क्वेश्चन 28, 29, 30 बनाना है। बुक में ही बन जाएगा। पहले क्वेश्चन में पढ़ लेना क्या मांग रहा है, हड़बड़ाना मत। पहला क्वेश्चन में ड्राइंग्स मांग रहा है, दूसरा क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट, तीसरा क्वेश्चन में भी नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन 28, 80,000, सुनना कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, सोचने की कोशिश कर। 3.5 लाख था, 1 लाख और 30,000 और लगाया, 380, 1 लाख कमाया, 480, 480 होना चाहिए था बट 4 लाख कैपिटल है, मतलब 80,000 क्या कर लिया, ड्राइंग्स कर लिया, विड्रॉ कर लिया। 29, आप चाहे तो अपना वो इक्वेशन यूज कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली भी सोच सकते हो। ओपनिंग था 60,000, इंट्रोडक्शन किया 25, ड्राइंग्स किया 40, मेरे को पहले बता बचना कितना चाहिए था, 45, ठीक है ये बचना चाहिए था, बट मेरे पास बचा कितना, 1.5 लाख। ये 45 से 150 क्यों हो गया, हमने प्रॉफिट कमाया, कितने का प्रॉफिट कमाया, 1,05,000। प्लीज आप ये सब मत लिखिएगा जो मैं लिख रहा हूं, मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूं आपको, अपना नॉर्मल जो दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस इंट्रोडक्शन, समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। मैंने बोला पहले नॉर्मल कंप्यूटेशन कर, ओपनिंग था 60, 40 का ड्राइंग किया तो कितना बचा, 20, 25 इंट्रोड्यूस किया तो कितना बचा, 45 होना चाहिए था, 150 है तो कितना कमाए होंगे, 1,05,000, आपका आंसर आ गया। तो अगर आपको ऐसा लगता है हमको फॉर्मूला ही यूज करना है, आप फॉर्मूला यूज करो, अगर आपको लगता है हम डायरेक्टली सोच सकते हैं तो डायरेक्ट सोचो। सर एग्जाम में आएगा तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, वही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट 4 फिगर लिख के एडलेस करना है, डन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता ही, वेरी गुड। क्वेश्चन 30, क्लोजिंग कैपिटल 25 लाख प्लस ड्राइंग 27 लाख माइनस ओपनिंग 7 लाख माइनस एडिशन 1 लाख, तो नेट प्रॉफिट हो गया 6 लाख। सोचने का तरीका, 20 लाख था, 1 लाख और लगाया 21, 2 विड्रॉ कर लिया 19 होना चाहिए था, 25 है तो 6 लाख प्रॉफिट कमाया है, तो 6 लाख प्रॉफिट हो गया, डन। क्वेश्चन 31, लास्ट फॉर द डे, क्वेश्चन 31, ऐ चीचा मत करो, इतना कम कम पढ़ाते हैं, सबसे कम ना हम ही पढ़ाते हैं तुमको, हाँ पढ़ाते ही नहीं है, वेरी गुड, हम तो सिर्फ डिस्कस करते हैं तुम्हारे साथ,
अकाउंट्स तुम बचपन से पढ़ पुढ़ा के आते हो हमारे पास, अब पूछना मत फीस क्यों लेते हैं आप। फिर वही वो बचपन को पॉलिश करने के लिए लेते हैं इतना। तब तुम स्टोरी नहीं सुनाए। एक शिप था, शिप खराब हो गया, चल नहीं रहा था। जितने भी इंजीनियर्स को बुलाए वो इंजीनियर्स के पास कोई समाधान नहीं था। एक बूढ़ा मतलब जो नॉर्मल काम सब ये सब करता है लोहा वगैरह का, उसको बुलाया। वो बोला हम कर देंगे काम, 50,000 रुपया लेंगे। बोला यार कोई नहीं कर पा रहा है, तुम कर पा रहे हो, चलो 50,000 में कर दो। वो हथौड़ा उठाया, एक हथौड़ा मारा, शिप चालू हो गया। शिप में ही तो 50,000 रुपया वो मांगा, तो बोलता है एक हथौड़े का 50,000 रुपया। बोला हम 50,000 रुपया हथौड़े का नहीं ले रहे, कहां मारना है, मारने का भी नहीं ले रहे हैं, कहां मारना उस चीज का ले रहे हैं। अभी हथौड़े तुरंत तुम्हारे दिमाग पे मार रहे हैं हम, तो हम तुमसे पैसा पढ़ाने का नहीं ले रहे, कैसे तुमको सिखाना है उसका ले रहे हैं, ठीक है ना। और अगर मेरी फीस तुमको लगती है भैया आप ज्यादा लेते हैं, क्या बोले तुमको फिर। चलिए क्वेश्चन 31। बच्चा पार्टी देने की बात कर रहा है, बच्चा बात कर रहा है, बच्चा बात अभी किया दो मिनट पहले। ओ कब देने वाले ये पूछ रहा है क्या। होली पार्टी भी ड्यू है क्या सर, होली का ठंडा ही नहीं होगा सर भांग के साथ। नहीं होगा सर बोल रहे। देखो मेरा पॉकेट मनी मिलता है मेरे को, सिर्फ पैसा पापा रख लेते हैं, सेंटर का सारा ये संभालते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। पॉकेट मनी कैसे दे भाई, इतना जन पॉकेट मनी। हम तो बोलते हैं ये सस्ता नहीं पड़े, तुम लोग मिलके मेरे को पार्टी दो, सब लोग एक एक रुपये में मिलाओगे तो मेरा पार्टी हो जाएगा। हमको इतना बड़ा पार्टी देने के लिए बहुत जमा करना पड़ेगा, तुम लोग को एक एक रुपया जमा करना है, मेरा पार्टी हम देख लेंगे। बच्ची बोल रही है सर आपका एक बच्चे का फीस में सारा हो जाएगा, हिसाब लगा के आई है पूरा एकदम। देंगे पार्टी देंगे आप लोग को, खुशखबरी आने दो। अब क्या चीज का, क्या चीज का, बेकार का ही। अबे खुशखबरी आने दो, मतलब आप लोग उसी डायरेक्शन में क्यों सोचते हैं। अरे खुशखबरी आने दो मतलब खुशखबरी एक ही होता है क्या। तो तुम्हारे पापा पूछे, मान लो तुम एक दिन खुश हो घर पे गए, पापा बोले खुश क्यों हो, बस पापा खुशखबरी आ रही है, आपको नहीं मिली मेरे को मिल गई है। ऐसे हर खुशखबरी एक ही चीज नहीं होता, हर खुशखबरी में थालियां थोड़ी बजती है, तालियां नहीं थालियां। नहीं समझे आप लोग, छोड़िए आइए, नहीं समझे आप लोग, ठीक है बाद में सिखाएंगे आप लोग को। घर वाले यही बोल के तो भेजते हैं बच्चे को, सारा कुछ सिखा के भेजिएगा। हाँ खाली पढ़ाई का बोले थे, मेरे को तो पेरेंट्स आके बोलते हैं मेरा बच्चा को सब कुछ सिखा दीजिएगा। हम पूछे क्या करने के लिए, बोला ताकि मेरा बच्चा रेडी हो जाए आगे सीए एग्जाम के लिए, नहीं बोले। छोड़िए आइए क्वेश्चन पढ़ते, क्वेश्चन 31। चलिए 5 मिनट में छुट्टी। मेरे को एसेट लाइबिलिटी का बैलेंस दिया हुआ 31/3/12 एंड 31/3/13 का, साल के शुरू का और साल के एंड का। नीचे बोला है
प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31/3/12 31/3/13 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मतलब दो दिन का बैलेंस शीट बनाना है। ये बैलेंस शीट बना के पता है हम लोग को क्या मिलेगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल। फिर नीचे बोला कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ ए, हमको फिर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सुने एक बार, सारा एसेट लाइबिलिटी दिया बट पता है दो एसेट लाइबिलिटी में ना क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दिया, मतलब उनकी वैल्यू दी नहीं है, आपको कैलकुलेट करनी है। अब क्या बोल रहा है, ए डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करता है बिल्डिंग पे 2.5%, फर्नीचर पे 10% फॉर द पीरियड एंडेड 31/3/2013। तो अगर 2.5% का डेप्रिसिएशन है 1,00,000 की बिल्डिंग में तो बोल क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, 97,500। फर्नीचर 50,000 पे 10% डेप्रिसिएशन है तो क्लोजिंग बैलेंस 45। अब आपके पास सारे एसेट्स है, लाइबिलिटी है, क्या माइनस करने से कैपिटल आ जाएगा? अगर ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल आ गया तो प्रॉफिट निकाल पाएंगे। नीचे देखा और क्या बोला, ज्वेलरी परचेज किया 24,000 का फॉर हिज डॉटर इन दिसंबर 2012 ड्रॉइंग्स, सोल्ड हिज कार ऑन 30/3/13 एंड अमाउंट 40,000 रिटेन्ड इन द बिजनेस। इंट्रोडक्शन, ड्रॉइंग्स इंट्रोडक्शन दे दिया, ओपनिंग क्लोजिंग तुम निकाल लो, फटाफट प्रॉफिट कैलकुलेट कर दो। आइए हम लोग फटाफट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएं। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो आप जानते हैं ना क्या होता है, बैलेंस शीट ही होता है। क्या फर्क होता है पता है एक बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में? नहीं, ऐसा बात नहीं है। बैलेंस शीट क्या होता है, जब आप डबल एंट्री सिस्टम ट्रायल बैलेंस यूज करके आप एक स्टेटमेंट बनाते हो एसेट लाइबिलिटी का जो ड्यूली टैलीड रहता है उसको बैलेंस शीट नाम दिया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब यहां पे इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, आप कैपिटल या कोई इंफॉर्मेशन कंप्यूट करने के लिए यह बैलेंस शीट बना रहे हो। हम लोग जो पूरा इतना सारा क्वेश्चन किए ना, ओपनिंग बैलेंस शीट को ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं लिखना चाहिए था, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिखना चाहिए था, बट इंस्टीट्यूट बोलता है उसको तुम बैलेंस शीट लिखो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो एक्चुअली सारे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर थे क्योंकि सब में मेरा मोटिव था कैपिटल कैलकुलेट करना, वो डबल एंट्री सिस्टम से बनाया हुआ बैलेंस शीट नहीं था। फॉर द ईयर एंडेड, या नहीं फॉर द ईयर एंडेड थोड़ी लिखते हैं, एज ऑन 31/3/12 एंड 31/3/13 एक ही साथ बना देंगे दोनों, दो अलग अलग स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, डबल कॉलम से बना लेंगे, इससे टाइम बचता है एग्जाम में। मेरे को बता पहला एसेट क्या दिया हुआ है, फर्नीचर, ओपनिंग 50,000, क्लोजिंग बता कैसे लिखूं, 50,000 माइनस 10% 45, बिल्डिंग 1,00,000, क्लोजिंग कैसे निकालूं, 1,00,000 माइनस 2.5% 97,500, ये लिखना चाहिए हमेशा। अब दिया है स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, कुछ देखना नहीं, कुछ समझना नहीं, सिर्फ छाप दो, टीवी से नहीं बुक से, वापस टीवी बंद कर देंगे नहीं तो। स्टॉक का वैल्यू बताइए, 1,00,000, 1,10,000 नहीं 2,50,000 है ना, डेटर 60,000, 1,10,000, कैश 11,200, 13,200, बैंक 60,000, 75,000, एसेट्स कंप्लीट। लाइबिलिटी साइड, लोन्स क्रेडिटर्स 90,50 और 70,80। अब अगर एसेट लाइबिलिटी मिल गया तो डिफरेंस क्या निकल सकता है, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर।
कुछ अलग आ रहा है, कैपिटल यही आ रहा है ना। कल समरी कॉपी लेके आइएगा नया, भूलिएगा मत, फिर आप लोग फाड़ फाड़ के कॉपी के पेज में लिखेंगे और वो मिलेगा नहीं कभी जीवन भर में, तो कॉपी अलग से बना लीजिएगा समरी की। सर इसी कॉपी में लिखने से अच्छा नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, वापस उतना ही पेज पलटाना पड़ेगा समरी को खोजने के लिए, तो समरी एक अलग कॉपी में लिखो ताकि खोजना ना पड़े। यहां तक हो गया? चलिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, मेरे को बताइए प्रॉफिट किस पीरियड का निकलेगा? फॉर द ईयर एंडेड 31/3/13, यानी 1/4/12 से लेके 31/3/13, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल 1/4/12 का है, क्लोजिंग 31/3/13 का है, तो डिफरेंस जो प्रॉफिट आएगा वो इस पीरियड का आएगा। सॉरी पर्टिकुलर्स अमाउंट एक एक करके बता। क्लोजिंग कैपिटल, प्लस ड्रॉइंग्स, माइनस ओपनिंग कैपिटल, माइनस इंट्रोडक्शन, कैलकुलेट कर नेट प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल 440,700, ड्रॉइंग्स दिया हुआ है 24,000, ओपनिंग कैपिटल 241,200 और इंट्रोडक्शन है 40,000। आप कॉपी बंद कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, एक चीज बोल रहा हूं एक्नॉलेज करना वो सही है या नहीं। अगर मैं डेप्रिसिएशन ऊपर एडजस्ट नहीं करता, मतलब अगर मैं यहां पे ये 50,000 ही ले लेता और 1,00,000 ले लेता तो भी एक कैपिटल का फिगर आता, उससे मैं यहां पे जब नेट प्रॉफिट निकालता, पता है वो नेट प्रॉफिट क्या होता? बिफोर डेप्रिसिएशन। और फिर मैं चाहता तो डेप्रिसिएशन यहां पे लेस कर देता। आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं, यानी एडजस्टमेंट ऊपर नहीं करके अलग से नेट प्रॉफिट से एडजस्टमेंट कर दो। सर बेटर कौन सा है? पहला वाला जो हमने किया, क्योंकि उसमें याद नहीं रखना पड़ता है कि कोई एडजस्टमेंट भी करना है, वहीं पर बैलेंस शीट में सारा एडजस्टमेंट हो गया। डन, ठीक है, आज के लिए इतना ही। होमवर्क क्या दिया था रे? एक और लिख लो। ट्वेंटी सिक्स एंड 32 होमवर्क आज के लिए सिर्फ इतना ही।